साधना की इस श्रृंखला के साथ येजीवेन अंततः उन्नत अमर स्तर तक पहुंच गए। उनकी युद्ध शक्ति अमर स्तर को भी पार कर गई थी और अविनाशी स्तर के स्तर तक पहुंच गई थी। इसके अलावा वह हर पल मजबूत हो रहा था। सफलता के बाद लगभग 200,000 देव स्रोत बचे थे जिनका उपभोग नहीं किया गया था। इनमें से कुछ देव स्रोतों का उपयोग त्यानयुवान दर्पण को परिष्कृत करने के लिए किया गया था और बाकी का उपयोग साधना के लिए किया गया था। यह सतह पर स्पष्ट नहीं था, लेकिन केवल वह जानता था कि वह हर समय मजबूत होता जा रहा था। उस समय येक्षिमेन ने केवल महसूस किया कि उसका पूरा शरीर क्रिस्टल बन रहा था। अनगिनत नियम उसके सामने थे और वे कहीं अधिक स्पष्ट थे। हर कोशिका तेज रोशनी से खिल रही थी। हत्यारे को लगा कि उसकी एक कोशिका किसी ग्रह के माध्यम से विस्फोट कर सकती है। वह सामर्थ्य से परिपूर्ण था और उसे हल्का हल्का अनुभव हुआ कि स्वर्ग और पृथ्वी उसके नियंत्रण में है। उसे हल्का सा आभास हुआ कि वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत होने जा रहा है। यह एहसास बिल्कुल एक नया क्षेत्र था। हालांकि उन्होंने इस क्षेत्र को केवल हल्के से छुआ था और वह वास्तव में अभी तक इस तक नहीं पहुंचे थे। आप वास्तव में कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर ने कहा कि आपका भविष्य असीम है। मुयोक्सी ने कड़वी मुस्कान के साथ येजीवेन को देखा। वह सोच भी नहीं सकता था कि येक्षिवेन इतने कम समय में सुधर गया था। उस्ताद के अनुसार उन्होंने केवल कुछ 100 वर्षों के लिए दाव हासिल किया था। भले ही उसने वास्तविक युद्ध शक्ति पर विचार न किया हो और केवल दायरे पर विचार किया हो, वह 10,000 वर्षों की साधना के बाद ही अमर स्तर के शिखर पर पहुंचा था। ऐसा लग रहा था कि येजीवेन अपनी हजारों वर्षों की साधना के परिणामों को 1,000 वर्षों से भी कम समय में प्राप्त करने में सक्षम होंगे, लेकिन यह उनके 10वें हिस्से से अधिक था। खुद की दूसरों से तुलना करना वास्तव में क्रोध करने वाला था। मोगन्ना ने भी इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की। खुशी के बाद उसे भी बेबसी का गहरा एहसास हुआ। ऐसे राक्षस की तुलना में उसका क्षेत्र वास्तव में कुछ भी नहीं था। इस समय अविनाशी क्षेत्र में प्रवेश करने का वह खुश मिजाज बहुत मायने नहीं रखता था। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि रोना है या हंसना है। हालांकि गारंटी के रूप में ऐसी अत्याचारी ताकत के साथ उनकी सुरक्षा की कम से कम गारंटी थी। ठीक है, हमने बहुत समय बर्बाद किया है, अब और समय बर्बाद न करें, चलो चलते हैं, येजीवेन ने कहा और एक तीर की तरह उड़ गया, एक सुंदर हंस में बदल गया जो उड़ गया। वह और इंतजार नहीं कर सकता था। वह एक क्षण भी अधिक प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था। प्रारंभ में वह पुरस्कार के रूप में 500,000 दिव्य स्रोत प्राप्त करना चाहता था। अब जब उसने अपना लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया था, तब भी उसे 500,000 दिव्य स्रोत की बहुत आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अमर स्तर के शिखर तक पहुंचना चाहता था और उसे भारी मात्रा में दिव्य स्रोत की आवश्यकता थी। जहां तक युनशी और मोगन्ना का सवाल है, उन दोनों ने भी अपनी दिव्य रोशनी पर कदम रखा और उनका पीछा किया। वे तीनों जल्दी से धर्म राजा की कब्र में आगे पीछे घूमने लगे। शक्तिशाली और प्राचीन कानून जीवन रूप जो मूल रूप से उनके लिए बहुत कठिन थे, येजीवेन के विरोधी बिल्कुल भी नहीं थे और एक के बाद एक उड़ाए जा रहे थे। यहाँ तक अगर उसे एक बहुत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा तो वह येक्षिवेन को पकड़ने में सक्षम नहीं होगी, जिसने पहले से ही अपने शैतान पंखों को खोल दिया था। उनकी आंदोलन तकनीक पहले ही शिखर पर पहुंच चुकी थी। अविनाशी दायरे की ताकत ने उसे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पार करने की अनुमति दी। कोई भी उसके लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। येजीवेन और अन्य दो भी एक तेज तलवार की तरह चुभ गए। वे इसलिए नहीं रुके क्योंकि उन्हें भी जल्दी थी। येजीवेन, हालांकि अब तुमने युनकेजी और अन्य लोगों को मार डाला है, यह ठीक है अगर यह सिर्फ युनकेजी है। हालांकि आओशियोकिंग की ड्रैगन द्वीप पर एक बड़ी प्रतिष्ठा है। हालांकि वह यो चाओजोंग जितना प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। समय आने पर मुझे डर है कि ड्रैगन द्वीप भी हमारी जांच करेगा, मुयोक्सी ने चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो, कुछ भी नहीं है, वे कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मांस और लहू कुछ ही समय में पूरी तरह से खा जाएंगे, वे कोई निशान नहीं ढूंढ पाएंगे। ड्रैगन द्वीप के संदेह के रूप में क्या फायदा है? क्या आपको लगता है कि वे लोगों को पकड़ने के लिए हिडन वैली में आने के लिए संदेह पर भरोसा कर सकते हैं? तुजीवेन ने ठंडेपन से कहा। लेकिन चिंता मत करो, मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। जब ड्रैगन द्वीप के लोग वास्तव में आते हैं तो आप कह सकते हैं कि वे कुमो पूर्वज द्वारा मारे गए थे और सब कुछ कुमो पूर्वज पर धकेल दिया। यदि वे इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप उन्हें अपने शरीर में कुमो पूर्वज का गु कीड़ा दिखा सकते हैं। जब ऐसा होगा तो वे कुछ नहीं कह पाएंगे, मुयोक्सी ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। हालांकि ड्रैगन द्वीप असभ्य और अनुचित था, लेकिन बिना किसी सबूत के हिडन वैली के लिए परेशानी खड़ी करना उनके लिए असंभव था। इसके अलावा किसी के लिए भी ईश्वरीय दफन तारों वाले महासागर में मरना सामान्य था। यहाँ बहुत से लोग लड़ रहे थे और मारे जा रहे थे। प्रमुख बलों के बीच कई हत्याएं भी हुई। हालांकि उनके लिए सौहार्द के सभी ढोंग छोड़ना दुर्लभ था। रास्ते में उन तीनों ने एक शब्द भी नहीं बोला।
3 दिन और 3 रात के लिए उड़ान भरने के बाद वे सीधे पूरे 10,000 धर्मराजा के कब्रिस्तान को पार कर गए और कब्र पर पहुंचे। यदि वे सीधे कब्रिस्तान के सबसे मध्य क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं तो वे निश्चित रूप से गलत नहीं होंगे। ये शिवेन की जबरदस्त ताकत के साथ उनके लिए इसे ढूंढना बहुत आसान था। ऐसा लगता है कि यह मकबरा इस स्थान पर नहीं है, यह लगभग एक अलग इकाई है। जब वे अंत में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके सामने कब्र अतुलनीय रूप से विशाल थी। यह लगभग एक महाद्वीप जैसा था। इसके अलावा सभी प्रकार की प्रकाश किरणें विकृत थीं। वे साफ नहीं देख पा रहे थे कि अंदर क्या है। यह ऐसा था मानो इसे अंतरिक्ष संरचनाओं की परतों द्वारा संरक्षित किया गया हो। यह वास्तव में एक अलग इकाई है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूरे कब्रिस्तान को 10,000 धर्मराजा के दिव्य साम्राज्य से बदल देना चाहिए। यही कारण है कि शक्तिशाली सिद्धांतों से इतने सारे शक्तिशाली जीवन रूप पैदा हुए हैं। येजीवेन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर ली और अचानक मुक्ति की आंख खोल दी। ऐसी स्थिति उन्होंने एक बार पहले भी देखी थी। द डेथ लॉर्ड्स डिवाइन किंगडम मौत के रसातल में बदल गया था। यह जुबान की दुनिया में लगभग एक खतरनाक जगह बन गई थी। हालांकि यह डेथ लॉर्ड के एकल मरे और अंधेरे जीवन रूप में परिवर्तन से अलग था। 10,000 धर्म राजा कई गुना अधिक अत्याचारी थे। इसके अलावा उनके पास 10,000 धर्म राजा का उपनाम था। वह कई जादुई तकनीकों और जादुई शक्तियों में बहुत कुशल था। उन्होंने जिन जीवन रूपों को रूपांतरित किया था वे भी अधिक विविध थे। मोगन्ना ने सिर हिलाया और कहा, हमारे नागा कबीले के रिकॉर्ड के अनुसार यह कब्रिस्तान वास्तव में 10,000 धर्म राजाओं के दिव्य साम्राज्य से विकसित हुआ है। इसका पैमाना भी बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक भयानक जीवन रूप हैं। कुछ शक्तिशाली जीवन रूप भी साधना कर सकते हैं। इसे कम करके नहीं आका जाना चाहिए। हालांकि यह कब्रिस्तान अंतरिक्ष की परतों में छिपा होना चाहिए। यह हमारे सामने ठीक नहीं है जैसा हम देखते हैं, येजीवेन ने कहा। कई जगहों की दरारों में मिल जाना चाहिए। लगता है हमें अंतरिक्ष की परतों को पार करना है। भले ही देवताओं ने अंतरिक्ष को नियंत्रित करने का दावा किया हो, वास्तव में वे अभी भी अंतहीन अराजकता में खो जाएंगे। यह एक जहाज की तरह था जो असीम समुद्र में जमीन का एक टुकड़ा खोजने की कोशिश कर रहा था। असीम आदिम अराजकता में अंतरिक्ष और विमानों की परतें द्वीपों की तरह थी। कुछ हाथ के करीब लग रहे थे, लेकिन वास्तव में यह इतना दूर था कि जीवन भर उस तक नहीं पहुंचा जा सकता था। हालांकि येजीवेन के लिए कोई बाधा नहीं थी। उसने सीधे दोनों हाथों से अपने सामने की जगह को फाड़ दिया। अंतरिक्ष की अशांति और बाधाएं अर्थहीन थीं। फिर वह अंदर घुस गया। दोनों महिलाएं जल्दी से एक साथ दौड़ी। जब वे वास्तव में अंदर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह एक पूरी नई दुनिया थी। यह अभी के वातावरण से बिल्कुल अलग था। जैसे ही उन्होंने इस अंतरिक्ष में प्रवेश किया, उन्हें तुरंत लगा कि आसपास के कानून सक्रिय हो गए हैं। यह बाहर के टूटे हुए कानूनों की भावना से बिल्कुल अलग था। ये कानून बहुत सक्रिय थे, जैसे कि उन्हें किसी प्रकार की शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। तू जीवेन अभी भी खड़ा था जब उसने देखा कि कब्र के चारों ओर तियान कबीले के अंगिनत शक्तिशाली सदस्य मंत्र दे रहे थे, एक अतुलनीय शक्तिशाली सरणी बना रहे थे। ये शक्तिशाली तियान कबीले के योद्धा, यहाँ तक सबसे साधारण योद्धा भी देवताओं के दायरे के चरम पर थे। एक आकस्मिक कप्तान शाश्वत क्षेत्र का विशेषज्ञ था। यह अकल्पनीय था कि उनके बीच कितने विशेषज्ञ छिपे हुए थे। ये शिवेन भी अनुमान नहीं लगा सकती थी। तियान कबीले के कुछ विशेषज्ञों के नेतृत्व में वे एक अजीब मंत्र जाप कर रहे थे। आकाश में तरह तरह के ताबीज उड़ रहे थे। यह एक अजीब भाषा थी, प्राचीन, अस्पष्ट और समझने में कठिन। येजीवेन के वर्तमान दायरे में उसे केवल किसी भी भाषा पर एक नजर डालने की जरूरत थी। उसे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं थी और वह इसे सीख सकता था। हालांकि वह वास्तव में इस तरह की प्राचीन भाषा को नहीं समझ सका। यह तियान कबीले की प्राचीन भाषा थी। यह एक बार ग्रेट दाओ का प्रतिनिधित्व करता था। यह कहा गया था कि यह दैवीय पाठ के अलावा महान दाओ के सबसे निकट की भाषा थी। दिव्य पाठ केवल देवताओं द्वारा ही समझा जा सकता था। यह पहले ही शब्दों के आकार को पार कर चुका था और महान दाओ के अर्थ के साथ सीधे संवाद करता था। हालांकि तियान कबीले की भाषा अलग थी। यह आकार का था और देवता भी इसे समझ सकते थे। यह कितना भयानक था। तियान कबीले के सामान्य सदस्य भी इस तरह के गहन दाओ पाठ को समझ सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि तियान कबीले में इतने सारे विशेषज्ञ थे। वे अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थे। उस समय तियान कबीले की समृद्धि को भाषा से देखा जा सकता था। कितनी शक्तिशाली जाति है। वास्तव में एक अकेली जाति ब्रह्मांड की सभी जातियों से लड़ सकती है। हालांकि वे विफल रहे, वे वास्तव में अद्भुत हैं। येजीवेन ने हल्की सांस ली। उसकी निगाहें आकाश में फैल गईं, केवल यह देखने के लिए कि शून्य में कई अत्याचारी आकृतियां छिपी हुई थीं। तियान कबीले की सेना के अलावा जो यहाँ व्यूह निर्माण कर रहे थे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो, किसी और की हिम्मत नहीं थी अचानक प्रकट होने की। वे सभी विशेषज्ञ थे जिन्होंने इस बार खबर सुनी थी।
10,000 धर्म राजा एक ऐसा अस्तित्व था जो तियान कबीले में महानताओं में आधा कदम था। वह सही मायने में महानताओ को हासिल करने और पहले दर्जे का सम्राट बनने से बस थोड़ा ही दूर था। कई लोगों ने उनकी समाधि का लालच किया। प्रमुख बलों द्वारा दिए गए पुरस्कारों के बिना भी अभी भी बहुत से लोग थे जो 10,000 धर्मनूले के लिए आए थे। चलो पहले छिप जाते हैं, बाहर खड़े मत रहो, येजीवेन ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और उन तीनों के ठिकाने के बारे में बताया। चूंकि कोई भी अलग नहीं खड़ा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अलग दिखना नहीं चाहता था और तियान कबीले की सेना का निशाना नहीं बनना चाहता था। इस समय पूरे अंतरिक्ष में केवल तियान कबीले की प्राचीन भाषा का जाप गूंज उठा। शून्य में कोई आवाज नहीं थी। यह कहा जा सकता था कि सुई की बूंद भी सुनाई दे सकती थी। सभी सांस रोके हुए थे और कब्र के अंतिम रूप से खुलने का इंतजार कर रहे थे। सभी संचार टेलीपैथिक विचारों के रूप में किए गए थे। भले ही दिव्य जाति 10,000 कानून राजा को पुनर्जीवित करना चाहती थी और उसे मृतकों की दुनिया से जगाना चाहती थी, उन्हें कब्र खोलनी पड़ी। इसलिए हर कोई प्रतीक्षा कर रहा था, अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। ईश्वर लोक में साधना के अवसर की प्रतीक्षा में बिना किसी अपवाद के सभी पुरानी लोमड़ियां थीं। बाहर खड़े होने के लिए कोई भी मूर्ख नहीं था। येजीवेन और अन्य दो कोई अपवाद नहीं थे। मुयोक्सी और अन्य दो को पहले कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में आकाश में शक्तिशाली दिव्य विचारों को महसूस किया तब भी उन्हें डर का एहसास हुआ। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि कुछ स्वामी आ सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे स्वामी होंगे और इसमें दिव्य जाति के स्वामी भी शामिल नहीं थे। उनमें से कुछ के लिए भले ही उनकेजी और अन्य शामिल थे, उनके लिए इस स्तर की अराजक लड़ाई में खुद को बचाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, यह भी संभव था कि वे यहाँ पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। हे भगवान, वास्तव में बहुत सारे छिपे हुए स्वामी हैं, हम पहले बहुत भोले थे, मोगन्ना ने आश्चर्य से कहा। केवल वे स्वामी जिन्हें वह समझ सकती थी वे पहले से ही अकल्पनीय थे। एक राजा स्तर के बिजली घर का मकबरा, एक सर्वोच्च अस्तित्व जिसने लगभग ताव हासिल कर लिया था, ने बहुत से लोगों को आकर्षित किया था। आमतौर पर उनके लिए इस मकबरे को खोलना असंभव था। अब जबकि आकाशीय दौड़ ने एक चाल चल दी थी और कब्र को बुला लिया था, उनके पास एक मौका था। यह अवसर दुर्लभ था, लाखों वर्षों में मिलना कठिन था। यह सही है, अगर यह यहाँ जूनियर भाई के लिए नहीं होता तो मैंने भागने के बारे में सोचा होता, म्यूसी मुस्कुराए और कुछ आत्मनिंदा करते हुए कहा। हालांकि कुल तीन लोग मौजूद थे और उनमें से कोई भी बाहरी नहीं था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन लोगों के पास हमारे जैसा ही विचार होना चाहिए। वे भी मकबरे को खोलने के लिए खगोलीय दौड़ के आकाओं की प्रतीक्षा करना चाहते हैं और फिर अंदर घुसना चाहते हैं, येजीवेन ने कहा। उसे यह जानने के लिए अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं थी कि ये लोग क्या सोच रहे थे। धर्म राजा की समाधि यहाँ इतने लंबे समय से है, लेकिन इसे खोलने का कोई तरीका कभी नहीं रहा। प्राचीन काल से अनगिनत विशेषज्ञ यहाँ कोशिश करने के लिए आए हैं और कहा जाता है कि यहाँ राजा श्रेणी के विशेषज्ञ भी हैं उन्हें, लेकिन उनमें से कोई भी इस मकबरे का कुछ नहीं कर सकता। राजा श्रेणी के विशेषज्ञों में धर्म राजा सर्वोच्च विशेषज्ञ है। यहाँ तक मृत्यु में भी उसे हल्के से अपमानित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ इतने सारे विशेषज्ञ नहीं आते। मुझे डर है कि वे सभी इस अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं और अंदर जाकर देखना चाहते हैं, लेकिन सौभाग्य से विभिन्न शक्तियों के विशेषज्ञों को तियान कबीले की मांग पर हमला करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है और यहाँ तक तियान कबीले के सच्चे सर्वोच्च विशेषज्ञ भी हैं आकर्षित किया गया। अन्यथा यहाँ शायद कई अविनाशी क्षेत्र या यहाँ तक की ऋषि क्षेत्र के विशेषज्ञ भी होंगे। अगर वास्तव में ऐसा है तो मुझे डर है कि हम करीब आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। यदि विभिन्न नस्लों के विशेषज्ञ यहाँ होते तो पूर्वज मुरझाए हुए शैतान की तरह एक बग कैसे संपर्क करने की हिम्मत करता। अगर उसने किया तो वह मौत को दावत दे रहा होगा। दोनों ने एक के बाद एक बातें की। येजीवेन ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन बस सतर्कता से चारों ओर देखा। हालांकि सभी छिपे हुए थे, फिर भी उसने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह घात नहीं लगाएगा। येजीवेन की नजर शून्य पर पड़ी। वह कुछ गैर अत्याचारी अस्तित्वों के प्रभामंडल को महसूस कर सकता था। हालांकि शून्य में कुछ स्थान ऐसे थे जहां वह लोगों के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि उसे कुछ भी होश नहीं आया। वे स्थान वास्तविक विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही उसकी निगाहें आसमान की ओर आकर्षित हो गईं। तियान कबीले से कढ़ाई वाले कपड़ों में एक आदमी, उसने देखा कि यह आदमी करीब 20 साल का था, अपने हाथ पीछे करके खड़ा था। वह भाले की तरह सीधा खड़ा था और उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थी। उनका अवर्णनीय प्रताप था। बस वहां खड़े होकर उसने लोगों को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की। वह एक सेनापति की तरह था जिसने लगातार आदेश देते हुए स्वर की कमान संभाली। उसकी कमान के तहत तियान कबीले की सेना व्यवस्थित थी जिसमें थोड़ी सी भी अराजकता नहीं थी। इस समय उसके बगल में एक काली छाया दिखाई दी जिससे अंतरिक्ष विकृत हो गया, जिससे इस काली छाया की गहराई को देखना असंभव हो गया।
यंग मास्टर, समाचार प्राप्त करने वाले सभी पक्षों के विशेषज्ञों को पहले ही आ जाना चाहिए था, ब्लैक सिल्वर ने धीमी आवाज में कहा। हम अंत में शुरू कर सकते हैं, कड़ाई वाले कब्दों में आदमी ने कहा, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। इसके बजाय बोलने के लिए अपनी दिव्य भावना का इस्तेमाल किया। मैं चांद मक्सू दुनिया में हर किसी को मेरी प्रतिष्ठा के बारे में बताने के लिए लड़ूंगा। यह ज्ञात होना चाहिए कि जो लोग परेशानी की तलाश में आए थे वे सभी देवता स्तर के विशेषज्ञ थे। होंठ पढ़ना सिर्फ एक सहज क्षमता थी। हम इन बेवकूफों, क्या उन्हें लगता है कि कब्र खोलने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा? ऐसा ही होता है कि 10,000 स्पेल रूले को रक्त बलिदान की जरूरत होती है अगर हम इसे बाहर निकालना चाहते हैं। इन बेवकूफों को अपनी मौत के लिए भागते हुए देखने से बेहतर कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। चांद मक्सू के होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसकी आंखें मशालों की तरह थीं, जैसे वे पूरे क्षेत्र में बहती थीं। कई चूहे और कीड़े जो सोचते थे कि वे शून्य में अच्छी तरह से छिपे हुए हैं, वे सभी उनकी दृष्टि के दायरे में थे। वह सब कुछ देख सकता था और कुछ भी उसके नियंत्रण से बाहर नहीं हो सकता था। सब कुछ उनके नियंत्रण में था। एकमात्र अफसोस यह था कि मूल रूप से सभी पक्षों के विशेषज्ञों से निपटने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ विशेषज्ञों को स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन अगर उन विशेषज्ञों को दूर स्थानांतरित नहीं किया गया होता तो उन्हें इस ऑपरेशन की कमान संभालने का मौका कैसे मिल सकता था? योग्यता और शक्ति के मामले में कबीले में उससे ज्यादा मजबूत लोग बहुत थे, उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला होगा। वास्तव में सभी जातियों के विशेषज्ञ आकाशीय विशेषज्ञों के खिलाफ साजिश रच रहे थे, लेकिन साथ ही खगोलीय विशेषज्ञ अन्य विशेषज्ञों के खिलाफ भी साजिश रच रहे थे। दोनों पक्षों की अपनी अपनी योजनाएं थीं और अपनी योजनाओं को सफल बनाने का केवल एक ही तरीका था, और वह था विरोधी को अभिभूत करना और अपनी योजनाओं को शुरू करने के लिए प्रतिद्वंद्वी के रक्त का उपयोग करना। आदेश दे दो, जगह बंद कर दो, उन्हें भागने मत दो। हालांकि ये लोग विभिन्न जातियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, फिर भी मैं इनमें से किसी को भी भागने नहीं देना चाहता। मैं अपने सर्वोच्च मार्शल पद को बनाने के लिए उनकी हड्डियों का उपयोग करूंगा। चांद मक्सू का चेहरा अतुलनीय रूप से ठंडा था, जैसे ब्रह्मांड में सबसे ठंडा स्थान। यहाँ तक उसके चेहरे पर बर्फ भी नहीं लटक सकती थी। समझा, काली छाया ने उत्तर दिया। काली छाया ने एक इशारा किया और अचानक आसपास के कुछ दिव्य योद्धाओं ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। उनके हाथ शून्य को छू गए और हल्के पीले ताओवादी रन दिखाई दिए। ये रन आकाशीय जाति के थे और वे शून्य में विलीन हो गए। आकाश में मूल रूप से सक्रिय नियम धीरे धीरे स्थिर होने लगे। इस तरह के बदलाव ने तुरंत उपस्थित कई देवताओं को महसूस किया। वे अंतरिक्ष के प्रति बहुत संवेदनशील थे और जैसे ही परिवर्तन हुआ उन्होंने इसे महसूस किया। अच्छा नहीं, आकाशीय लोगों ने अंतरिक्ष को सील कर दिया है। मोगन्ना के हाव भाव अचानक बदल गए। क्या आकाशीय लोग हम सभी को एक झटके में पकड़ने की योजना बना रहे हैं? मुयोंग्सी अचानक घबरा गई। ऐसा लगता है आकाशीय दौड़ के लिए ऐसा विचार होना सामान्य है, क्योंकि उनके पास ऐसा करने की ताकत भी है। ये जिवेन घबराई नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि अमर स्तर के विशेषज्ञ इस तरह के स्पेस बैरियर को नहीं तोड़ सकते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वह ऐसे स्पेस बैरियर को नहीं तोड़ सकते। यदि वे उसे फंसाना चाहते थे तब भी वे इससे बहुत दूर थे। हालांकि यह भी साबित करता है कि वे एक चाल चलने वाले हैं। कब्र खुलने वाली है, मेरे बहुत करीब मत आना, क्योंकि यह सबसे खतरनाक जगह हो सकती है। मैं हर समय तुम दोनों का ध्यान रखूंगी, चिंता मत करो, ये जिवेन ने कहा। वह सबसे खतरनाक जगह पर लड़ सकता है। अगर उन दोनों ने उसका बारीकी से पालन किया तो अंत में वे प्रभावित हो सकते हैं। चिंता मत करो, हालांकि हमारी ताकत तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है, हमें कम मत समझना। अगर हम दोनों सेना में शामिल हो जाते हैं तो यह खुद को बचाने के लिए पर्याप्त है अगर हम लालची नहीं है, मुयोंग्सी ने कहा। चोटी के अमर स्तर के विशेषज्ञ के रूप में उसके शब्द आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जितने देवता उपस्थित थे उनमें से दो सबसे कमजोर नहीं थे। बात बस इतनी थी कि जब ये जिवेन की तुलना में वे कमोबेशहीन थे और वे बहुत कमजोर दिख रहे थे। इस अवधि के बाद उन्होंने लंबे समय से इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि ये जिवेन एक राक्षस था। जब उन्होंने इसके बारे में इस तरह सोचा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। यह अच्छा है, किसी भी समय तैयार रहें और पहले अपनी रक्षा करें, मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करें, ये जिवेन ने कहा। ठीक है, चिंता मत करो। जब वे बात कर रहे थे तो कब्र भी गड़गड़ाहट करती रही और थोड़ा थोड़ा करके खुलती रही। मृतकों की शक्तिशाली आभा में लिपटी अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली। इससे लोगों में हड़कंप मच गया। यहाँ तक जिन देवताओं ने अत्यधिक यिन और बुराई के मार्ग को विकसित किया उन्हें भी लगा कि उनकी आत्माएं जमने वाली हैं। यह एक तरह की शीतलता थी जो आत्मा की गहराइयों से आई थी। यह मरे हुओं की दुनिया से आया था और यह सभी जीवित चीजों को जमा देता है। इस समय संसार में एक और भी भयानक शक्ति का उदय हुआ। आकाशीय कबीले के अनगिनत मंत्र धीरे धीरे आकाश में ताबीज में बदल गए, सब कुछ रोशन कर दिया।
इस शक्ति द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हर चीज को जगाने के लिए मजबूर किया गया था। यह दिव्य कबीले का गठन था जो लगातार काम कर रहा था। एक मजबूत शक्ति ने घेर लिया और बुलबुले लगातार शून्य में उभरे। ऐसा लगा जैसे दुनिया उबल रही हो। अरे नहीं, ये आकाशीय कबीले दुष्ट हैं। आप वास्तव में हमें मौत के घाट उतारना चाहते हैं। वहाँ फॉर्मेशन मास्टर मौजूद थे, इसलिए यह बात उनसे छिपी नहीं रह सकती थी। दूसरे शब्दों में, तियान कबीले ने कभी इसे किसी से छुपाने के बारे में नहीं सोचा था। यह ऐसा था जैसे वे देवताओं और बुद्धों को मारने जा रहे थे जो देवताओं और बुद्धों को मारने जा रहे थे जो उन्हें रोकने जा रहे थे। सच्ची ताकत के सामने सभी साजिशें और चालें बेमानी थीं। इस समय हर कोई शांत नहीं बैठ सकता था। मूल रूप से वे पहाड़ पर बैठकर बाघों की लड़ाई देखना चाहते थे। वे किसी का नेतृत्व करने और ध्यान आकर्षित करने के लिए दिव्य कबीले को भड़काने के लिए इंतजार करना चाहते थे। किसने सोचा होगा कि हर कोई स्मार्ट था। वे सभी ऐसा करना चाहते थे जिससे वे असहाय होकर देख रहे थे, क्योंकि आकाशीय कबीले ने बिना किसी लक्षित कार्रवाई के सभी संरचनाओं को स्थापित किया। हम भीड़ का एक समूह, चांग मत्सु ने उन लोगों को देखकर उपहास किया जो मृत्यु के लिए परिष्कृत किए जाने वाले थे। आइए हम सब बाहर जाएं और इन स्वर्गीय कबीले के अवशेषों को मारें। शून्य में कोई दहाड़ता है। वर्तमान स्थिति ऐसे लोगों के समूह की तरह थी जो बहुत चतुर थे। उनमें से कोई भी सबसे पहले बाहर खड़ा नहीं होना चाहता था। उनमें से कोई भी स्वर्गीय कुलों द्वारा हमला नहीं करना चाहता था। वे फॉर्मेशन को स्थापित होने से रोक सकते थे, लेकिन उनके पास यह देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि फॉर्मेशन पूरा हो गया है और काम करना शुरू कर दिया है। अब वापस लड़ने में थोड़ी देर लग रही थी कि वे पूरी तरह से फंस गए थे। स्वोश स्वोश स्वोश, अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनगिनत आकृतियां दिखाई दी। वे मूल रूप से शून्य की परतों में छिपे हुए थे, लेकिन वे सभी एक ही बार में प्रकट हो गए थे। उन्हें एक कोने में धकेल दिया गया था। ये देवता भी अब पीछे नहीं रह सके। ये जिवेन और अन्य दो घबराए नहीं, वे तनिक भी चिंतित नहीं थे। बूम बूम बूम, आकाश के ऊपर प्रकाश की अनगिनत किरणें बह निकली, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सब कुछ नष्ट कर दिया। एक पल में कई देवता जो समय पर चकमा नहीं दे सके सीधे मारे गए। केवल एक चक्र के आक्रमण से कुछ देवता मारे गए। इस तरह की दक्षता को भयानक कहा जा सकता है। यहाँ तक सामान्य दिव्य संरचनाओं में भी ऐसी शक्ति नहीं थी। केवल शक्तिशाली तियान कबीले की प्राचीन स्वर्गीय संरचनाओं में ही ऐसी शक्ति होगी। इन देवताओं के मारे जाने के बाद उनका सारा मांस और रक्त गठन द्वारा अवशोषित कर लिया गया। गठन अधिक से अधिक हिंसक रूप से संचालित होता है और इसकी शक्ति दूसरे स्तर तक बढ़ जाती है। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं को थोड़ी निराशा हुई। दूसरे शब्दों में, गठन केवल और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा क्योंकि अधिक देवता मारे गए थे। अंत में इससे निपटना अधिक से अधिक कठिन हो जाएगा। तब तक इस बात की पूरी संभावना थी कि ये सभी उसमें फंस कर मारे जाएंगे। येजीवेन ने लापरवाही से उन प्रकाश की किरणों को दूर धकेल दिया जो उस पर हमला कर रही थी। उसे अपनी हथेली में हल्का सा सुन्नपन महसूस हुआ। उसने मन ही मन सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि वे देवता वही मारे गए। वह बहुत शक्तिशाली था, अन्यथा वह प्रकाश की उन किरणों से व्याकुल हो जाता जो उस पर आक्रमण कर रही थी। इससे भी भयानक बात यह थी कि आसपास के नियम जंजीरों की तरह थे जो और सख्त होते जा रहे थे। धीरे धीरे वे उसके शरीर के चारों ओर कस गए थे। यह ऐसा था मानो उन्हें संरचना द्वारा खींचा जा रहा था और अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहे थे। मुयोक्सी और मोगन्ना येजीवेन के पीछे पीछे चल रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। छोटे भाई, ये हमें क्या करना चाहिए? मुयोक्सी ने उत्सुकता से पूछा। अधिक से अधिक देवताओं को मारे जाने को देखते हुए, हालांकि वे इस समय अमर स्तर के शुरुआती स्तर पर लग रहे थे, अंततः वे चरम चरण के अमर स्तर के अस्तित्व को मारने में सक्षम होंगे यदि वे गठन द्वारा मारे जाते रहे। चिंता मत करो, शो बस शुरू होने वाला है, तू जिवेन ने हल्के से कहा। बूम बूम बूम, सभी प्रकार की हत्याएं अभी भी चल रही थी, लेकिन ये ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ सामान्य लोग नहीं थे। वे शाकाहारी नहीं थे, वे बिना लड़े कैसे हार मान सकते थे। वे सभी सेना में शामिल हो गए और सभी प्रकार की मार्शल आर्ट की धार को नष्ट कर दिया जो सीधे बह गई। इस बार तियान कबीले की सेना में भी हताहत हुए। हालांकि उन्हें व्यू निर्माण का संरक्षण प्राप्त था, फिर भी वे देवता इतने सारे देवताओं के संयुक्त आक्रमण को कैसे रोक सकते थे? इसने खगोलीय दौड़ के विशेषज्ञों को हमला करने की पहल करने के लिए मजबूर किया। दोनों पक्ष आसमान में लड़ते रहे। दृश्य गड़बड़ था, आसमान में अंधेरा था और रेत और पत्थर हर जगह उड़ रहे थे। यह दुनिया के अंत जैसा था। समय समय पर कोई भगवान या आकाशीय दौड़ विशेषज्ञों को मौके पर ही मरते हुए देख सकता था। दोनों पक्षों में कई हताहत हुए, लेकिन अपेक्षाकृत बोलने पर प्रत्येक जाति के देवताओं की ओर से हुए नुकसान बहुत अधिक थे। यदि यह जारी रहा तो पूरी सेना का सर्वनाश करना असंभव नहीं था। हालांकि उनके रणनीतिक लक्ष्यों की तुलना में आकाशीय दौड़ को भी बहुत नुकसान हो सकता है, यह पहले से ही बहुत अच्छा था।
येक्षिवेन ने कोई चाल नहीं चली क्योंकि वह जानता था कि यह चाल चलने का समय नहीं था। एक बार जब उसने कोई कदम उठाया तो वह निश्चित रूप से सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन जाएगा और आकाशीय दौड़ के शीर्ष विशेषज्ञों द्वारा लक्षित होगा। अगर उसे निशाना बनाया गया तो उसे परवाह नहीं थी, लेकिन उसने अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया था। निशाना बनाया जाना अच्छी बात नहीं थी। उसकी निगाहें आकाश में चांग मत्सू पर टिकी थी, लेकिन उसने चांग मत्सू को अपनी बाहों के साथ खड़ा देखा। उसके सामने अनगिनत हताहतों की अनदेखी करते हुए उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसका दिल बेहद ठंडा था। जल्दी करो, कब्र में भाग जाओ, यहाँ तक आकाशीय दौड़ का गठन भी वहाँ काम नहीं करेगा। कम से कम हम अभी भी अंदर विरोध कर सकते हैं। जब हमारी सहयोगी सेना आकाशीय जाति की मान से बाहर निकलेगी तो सेना वापस आएगी और आकाशीय जाति के शेष सभी सदस्यों को एक झटके में मार देगी। अंत में एक देवता ने घबराहट में पता लगाया कि 10,000 धर्मराजा की कब्र ने अभी अभी दिव्य दौड़ के भस्म को महसूस किया था और अब खुला था। ऐसा लगता था कि हर कोई एक जीवन रक्षक तिनके को पकड़कर एक के बाद एक कब्र के प्रवेश द्वार की ओर भाग रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि उनके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। कोई भी इस समय दिव्य जाति के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था और अंत में मारा जाना चाहता था। जैसा कि इस व्यक्ति ने कहा, हर कोई अंत तक डटे रहना चाहता था। सेना वापस लौट आएगी और आकाशीय जाति के शेष सभी सदस्यों को एक झटके में मार डालेगी। मूल रूप से इसे एक रंगीन युद्ध रेखा माना जा सकता है क्योंकि प्रत्येक जाति के देवताओं ने पहले ही मौत से लड़ने की पूरी कोशिश की थी। एक पल के लिए वे केवल नुकसान में थे। अब हर कोई कब्र में भाग गया था और युद्ध रेखा पूरी तरह से ढह गई थी। कोई गठन बिल्कुल नहीं था और दिव्य जाति के विशेषज्ञों के लिए यह कब्र में सुअरों और भेड़ों को चराने जैसा था। उनकी ताकत पहले से ही एक लाभ पर थी और इस समय उन्होंने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया। कुछ विशेषज्ञ एक के बाद एक गिरते गए और अनगिनत जादुई खजाने खून के एक कुंड में गिर गए। इन देवताओं का रक्त नदी की तरह उल्टा बहता था और दृश्य अतुलनीय रूप से दयनीय लग रहा था। यहाँ तक कि अनंत क्षेत्र के शिखर पर कुछ अत्याचारी विशेषज्ञ भी थे जिनके पास बचने का समय नहीं था। चांग मत्सू के बगल में काली छाया द्वारा उन्हें मौके पर ही थप्पड़ मार दिया गया और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। मरे हुए दायरे एक और मरे हुए दायरे के विशेषज्ञ केवल येजिवेन काली छाया के हमले को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उन्होंने तुरंत निर्धारित किया कि यह एक शक्तिशाली मरे हुए दायरे के भगवान होने की बहुत संभावना थी। चलो हम भी अंदर चलते हैं। येजिवेन ने देखा कि आधे से अधिक देवता पहले ही कब्र के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर चुके थे। वह अब और नहीं झिझका और न्यूयुंगसी और अन्य दो को लाया जो भीड़ में घुल मिल गए थे और तुरंत अंदर आ गए। मकबरे के रास्ते सभी दिशाओं में फैले हुए थे और हजारों सड़कें थी एक विशाल भूलभुलैया की तरह। हालांकि कई देवता थे, एक बार जब वे इस चक्रव्यूह में बिखर गए तो वे जल्द ही बिना किसी निशान के गायब हो गए। मुझे डर है कि इन मकबरे के कुछ ही मार्ग हैं जो अंततः वास्तविक मकबरे के कक्ष तक ले जा सकते हैं, या यहाँ तक कि बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमें शुरुआत से ही चुनना होगा, येजिवेन ने कहा। म्यूयूसी और अन्य दो ने सिर हिलाया। मूल रूप से अपने कौशल से वे एक नजर में पूरी दुनिया देख सकते थे और कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि यह अब अलग था और उनकी दिव्य इंद्रियां दूर तक खोज नहीं कर सकती थी। इसके अलावा यहाँ स्थान स्थिर है और हम आगे और पीछे शटल भी नहीं कर सकते। मुझे डर है कि हमें एक एक करके खोजना होगा, मोगन्ना ने कहा। वे दोनों अनुभव में उथले नहीं थे और उन्होंने जल्दी से निर्णय लिया। कोई जल्दी नहीं है, चलो पहले खोज करते हैं और अगर यह काम नहीं करता है तो दिव्य दौड़ को हमारे लिए आगे बढ़ने दो। हम नहीं जानते लेकिन वे जान जाएंगे, ये जीवेन ने आत्मविश्वास से कहा। ये जीवेन ने अपनी उंगलियां सिकुड़ी और हिसाब लगाया। वह एक पल में इतने सारे रास्तों की गणना नहीं कर सकता था और वह केवल महसूस करके जाने की पूरी कोशिश कर सकता था। फिर वह मौके पर ही इस सड़क के साथ उड़ गया। जैसे ही उन तीनों ने उड़ान भरी, उन्होंने महसूस किया कि मार्ग में सरणी संरचनाओं की कई परतें थीं। इन सरणी संरचनाओं ने पूरे मकबरे का समर्थन किया। यहाँ तक राजा श्रेणी का विशेषज्ञ भी इन सरणी संरचनाओं को तोड़कर सीधे मकबरे में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस बार अगर आकाशीय दौड़ आगे नहीं बढ़ रही थी और व्यक्तिगत रूप से कब्र खोल रही थी तो वे प्रवेश नहीं कर पाए होते। ये सरणी संरचनाएं बहुत शक्तिशाली थी और वे बहुत सरल और गहन भी थी। एक प्रकार की महान दाव जानकारी थी जिसे येक्षिवेन भी नहीं समझ सकते थे। यह बहुत संभावना थी कि यह 10,000 धर्मराजा के महान दाव द्वारा गठित किया गया था। ये सरणी संरचनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और यदि हम सरणी संरचनाओं को नष्ट करना चाहते हैं तो हमें सरणी संरचनाओं के स्रोत का पता लगाना होगा। जब तक ये सरणी संरचनाएं टूट जाती हैं तब तक मकबरे में सरणी संरचनाएं अब निर्दोष नहीं होंगी। उस समय भले ही गुफा के प्रवेश द्वार को आकाशीय दौड़ द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया हो, हम अभी भी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। येजिवेन के दिमाग में अनगिनत विचार घूम रहे थे। हालांकि असली प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई थी, उसने व्यवस्था करना शुरू कर दिया था उपाय।
उसने हर संभव संभावना को ध्यान में रखा और चीजों को करने में सतर्क रहा। हालांकि उन्होंने अपने पदार्पण के बाद से कई बार जोखिम उठाया था, फिर भी वे बहुत सतर्क थे। समय आने पर अगर हाथापाई हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और यहाँ से निकल जाओ, ये जिवेन ने इशारा करते हुए कहा। इन सरणी संरचनाओं का स्पष्ट रूप से बाहर के लोगों से निपटने के लिए उपयोग किया गया था और यह अंदर के लोगों के लिए कोई समस्या नहीं थी। उन तीनों ने आसानी से इस सड़क के साथ उड़ान भरी और अंत में सरणी संरचनाओं की इस श्रृंखला के मूल में पहुंचे। यह एक अतुलनीय रूप से विशाल सरणी निर्माण भी था। इस सरणी गठन के ऊपर एक छेद था और शून्य में ऊर्जा की एक लंबी नदी लगातार सरणी गठन में डाली जाती थी, ऊर्जा को पूरे सरणी गठन में इंजेक्ट करती थी। यह सड़क के साथ पूरे व्यू निर्माण का ऊर्जा स्रोत था। यह गुफा के प्रवेश द्वार पर भूतिया वातावरण से बिल्कुल अलग था और यह एक राजसी दृश्य जैसा दिखता था। सितारे थे, सितारों की नदी की तरह। यह जगह है, अगर हम सरणी संरचनाओं की इस श्रृंखला को तोड़ना चाहते हैं तो हमें इस जगह को तोड़ना होगा। ऐसा कहने के बाद येजिवेन ने सीधे एक मुक्का मारा और भयानक मुक्के की ऊर्जा ने सीधे व्यूह निर्माण में एक बड़ा छेद खोल दिया। सरणी गठन के ऊपर का स्थान पूरी तरह से ढह गया, जिससे अंदर एक अतुलनीय विशाल स्थान प्रकट हुआ। संपूर्ण स्थान भी एक सरणी गठन से घिरा हुआ था और इस सरणी निर्माण में ईश्वर स्रोत की एक अतुलनीय विशाल नदी थी। ये ईश्वर स्रोत लगातार जल रहे थे जो पूरे सरणी निर्माण का समर्थन करते थे। ये जिवेन और अन्य दो ठंडी हवा में सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। ये ईश्वर स्रोत वास्तव में सड़क के किनारे विभिन्न सरणी संरचनाओं का समर्थन करने के लिए उपयोग किए गए थे और इस मकबरे में ऐसे कितने मार्ग थे, उनकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह इस समाधि में ईश्वर स्रोत की संपत्ति भी अकल्पनीय थी। कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य जाति ने 10,000 धर्मराजा की कब्र को जब्त करने की पूरी कोशिश की। बस इन्हीं ईश्वर स्रोत के पास बहुत बड़ी दौलत थी। यदि वे इसे पकड़ सकते हैं तो उनकी ताकत दूसरे स्तर तक बढ़ जाएगी और वे और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे और उन्हें रोकना मुश्किल होगा। हा, स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। दूर से एक जंगली हंसी आई। अचानक जैसे ही येजिवेन ईश्वर स्रोत की इस लंबी नदी को अपनी जेब में लेने ही वाला था, उसने दूर से एक जंगली हंसी सुनी। तीनों तनाव में आ गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि पूर्वज कुमो कब उनके सामने आ गए। हा, मैंने अभी आप तीनों को देखा। मैं तुम्हें मारने का अवसर लेना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई रहस्य होगा। बच्चे, अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता तो मैंने नहीं सोचा होता कि इन गलियारों में इतनी दौलत होगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब यह सब मेरा धन बन जाएगा और यह मुझे एक सर्वोच्च राजा बनने के रास्ते में मदद करेगा। पूर्वज कुमो की रक्त लाल आंखें बर्फ की गुफाओं की तरह थीं। वे अतुलनीय रूप से ठंडे थे और उन्होंने एक भयावह ठंडी रोशनी फेंकी। उन्हें इस दौलत के मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह सिर्फ येजिवेन और अन्य दो से निपटना चाहता था और भविष्य की किसी भी परेशानी से छुटकारा पाना चाहता था। केवल वही जानता था कि उसके जहरीले कीड़े कितने ताकतवर थे। अब जब वे अचानक गायब हो गए तो यह बहुत संभावना थी कि किसी ने अपने जहरीले कीड़ों, विशेष रूप से अमर क्षेत्र के कनिष्ठों के समूह से निपटने का एक तरीका खोज लिया था। यह उनके लिए सबसे खतरनाक चीज थी। उन्हें भविष्य की किसी भी परेशानी से छुटकारा पाना था। वह येजिवेन के पीछे पीछे शून्य में छिपा हुआ था। उन्हें अप्रत्याशित आश्चर्य मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह पूर्वज कुमो है। इस समय मुयुक्सी और अन्य दो हैरान रह गए। उनके मन में भय का भाव घर कर गया। हालांकि येजिवेन ने उन्हें पहले ही चिंता न करने के लिए कह दिया था, फिर भी वे चिंता किए बिना नहीं रह सके। यह सही है, यह मैं हूँ। मैं तुम्हें अपनी कठपुतलियों में बदलने से पहले दो सुंदरियों का आनंद लेना चाहता था। अब ऐसा लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। न केवल तुम भाग गए बल्कि तुमने मेरी कठपुतलियों को मारने की हिम्मत भी की। पूर्वज कुमो पहले से ही युनकेजी और अन्य लोगों को अपना धन मानते थे, इसलिए वे विशेष रूप से क्रोधित थे। आप सही समय पर आए थे। मैं सोच रहा था कि आपको कहाँ ढूंढूं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब कोई जरूरत नहीं है। मैं लोहे के जूतों को व्यर्थ खोज में पहन सकता हूँ, केवल संयोग से आपको ढूंढ सकता हूँ। ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। वह एक कदम आगे बढ़ा और चला गया। यह आप ही होंगे जिन्होंने इस पूर्वज की योजनाओं को बर्बाद कर दिया था। ठीक उसी तरह मैंने आपको पहले भी भाग जाने दिया था। अब मैं आपको बिना दफनाने की जगह के मरने दूंगा। पूर्वज कुमो ने उपहास किया। उनका पतला चेहरा एक भयावह मुस्कान में बदल गया क्योंकि उनकी पीठ पर पंख फड़फड़ाने लगे। अगले ही पल वो येजिवेन के सामने आ चुका था। उसके भयावह चेहरे पर एक जोड़ी रक्त लाल आंखें थीं। वह बेतहाशा हंसा, मैं तुम्हारा पूर्वज, तुम्हारे दिल को खोदकर तुम्हारे सामने निगल जाऊंगा। यह एक भयानक पागल दानव था। दानव जाति में भी वह गद्दारों की श्रेणी में आता था। बस इतना ही, पूर्वज कुमो तुम बहुत धीमे हो। इस समय ये जिवेन ने उपहास किया, अपना हाथ उठाया और अचानक कुमो पूर्वज की ओर झपटा। यह ऐसा था जैसे वह एक पहाड़ को चीर रहा हो। सब कुछ चूर चूर हो गया।
कुमो के चेहरे पर मुस्कान जम गई क्योंकि वो येजीवेन की हथेली से पकड़ा गया था। टकराना कुमो के शरीर को उड़ते हुए भेजा गया, उसका पूरा शरीर लगभग आधा चकनाचूर हो गया। अनगिनत सरणियों को तोड़ते हुए उसका शरीर भयंकर रूप से मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मुयुंगसी और येजीवेन को देखकर अवाक रह गए। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि येजीवेन, जिसने इतनी कठिन परिस्थिति में उनका पीछा किया था, येजीवेन के एक ही थप्पड़ से उड़ गया था। तब उसकी शक्ति इस हद तक अत्याचारी हो गई। गर्जन, कुमो गुस्से से दहाड़ा। लंबे समय से उन्हें इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। जब से वह दानव जाति का गद्दार बना, उसने लूटपाट की और हर तरह के बुरे काम किए। सभी प्रमुख सेनाएं उसके पीछे थी, इसलिए वह अपने हर काम में बहुत सावधानी बरतता था। उसने कभी ऐसा विरोधी नहीं चुना जिससे वह निपट न सके, या ऐसा विरोधी जिससे वह निपट न सके, अन्यथा वह अब तक जीवित नहीं रहता। उसने येजीवेन को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन येजीवेन ने उसे एक अच्छा सबक सिखाया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके शरीर से असीम काली गैस निकली और उसके घावों को लपेट लिया। फिर उसके घाव आश्चर्यजनक गति से ठीक होने लगे। मार्ग में मुंह की अधिक से अधिक तीव्र हो रहा था और यह आश्चर्यजनक गति से बाहर निकलने लगा। वो एक शैतान के पंजे में तब्दील हो गया और तुरंत एक शिवेन की गर्दन को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे एक पल में मार देना चाहता हो। ये शिवेन भी मात नहीं खाना चाहती थी। वह बिजली की तरह चला गया, उसकी पांचों उंगलियां मुट्ठी में बंद गई, मानो उसने अंतहीन शक्ति को संघनित कर लिया हो। मुक्का मारते ही उनकी उंगलियों के बीच शक्तिशाली दैवीय शक्ति का संचार हुआ। टकराना, एक पल में येजीवेन की मुट्ठी ने राक्षस क्यूरी संघनित हाथ को तोड़ दिया। यह उसके लिए कोई मैच नहीं था। वो शून्य जगह पर ढह गया, दरारें बन गई और फिर मकड़ी के जाले की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। दरारों से भयानक शक्ति निकली, जैसे भूस्खलन या सुनामी। यह बहुत भयानक था। दोनों की मारपीट में आसपास की सरिया भी गिर गई। म्यूयुसी और मोगन्ना बार बार पीछे हट गए, पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, नहीं तो सदमे से उनकी जान जा सकती है। बेशक वे येजीवेन के पीछे छिप गए और उसके द्वारा संरक्षित थे। दोनों की शक्ति अमर स्तर को पार कर गई थी और एक नए प्रकार की भयानक विनाशकारी शक्ति तक पहुंच गई थी। इस पूर्वज के लिए मरो। जैसे ही येजीवेन ने मोकी से संघनित शैतान के पंजे को तितर बितर किया, कुमो पूर्वज का हमला छाया की तरह पीछा किया और तुरंत आ गया। एक बहुत ही सरल पैटर्न बनाते हुए उसका शैतान का पंजा सीधे नीचे धंस गया। यह बहुत शक्तिशाली दिखती थी और एक बहुत शक्तिशाली पंजा तकनीक भी थी। तुम अब भी हार नहीं मानना हो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि मेरे और तुम्हारे बीच कितना बड़ा फासला है। ये शिवेन ने उपहास किया और एक कदम आगे बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने सीधे पूर्वज कुमो का पीछा किया और एक मुक्का मारा। बूम, एक हिंसक विस्फोट हुआ और येजीवेन की मुट्ठी सीधे पूर्वज कुमो के दानव के पंजे से टकराए। मार्ग की आसपास की दीवारों द्वारा ऊर्जा की शॉक वेव को अवशोषित कर लिया गया था। हमला किए जाने के बाद और सरणियों को पुनर्जीवित किया गया, अन्यथा दोनों की ताकत वास्तव में एक मुके से दुनिया को नष्ट कर सकती है। दोनों समान रूप से मेल खाते लग रहे थे, लेकिन पूर्वज कुमो के उग्र चेहरे पर ठंडे पसीने की कुछ बूंदे दिखाई दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अचानक पता चला कि उसका पूरा हाथ वास्तव में ऐसा महसूस हो रहा था कि वह बिखरने वाला है और यह गिरने के संकेत दिखा रहा था। हालांकि दानव जाति का भौतिक शरीर ड्रैगन जाति की तरह मजबूत नहीं था, फिर भी यह अपेक्षाकृत मजबूत भौतिक शरीर वाली दौड़ थी। अंत में वह शारीरिक शक्ति के टकराव में अचानक नुकसान में था। मानव जाति का यह संघ वास्तव में एक राक्षस था, अन्यथा उसे ऐसी अवस्था में कैसे विवश किया जा सकता था। हालांकि उसकी आंखों से ठंडी रोशनी फूट पड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक बार फिर येजीवेन पर हमला किया। इस समय वह केवल तेजी से लड़ सकता था, अन्यथा यहाँ तक लड़ाई की लय भी येजीवेन के नेतृत्व में होगी और यह वास्तव में परेशानी होगी। आकाश में अनगिनत दानव छायाएं दिखाई दी। राक्षसों की परछाइयां आच्छादित थीं और वे भूतों की तरह विलाप कर रहे थे और भेड़ियों की तरह गरज रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे। ये एक तरह के अजीब खंडित कानून द्वारा बनाए गए थे। अपने हाथों को उठाकर और एक लात मारकर वे पहले ही कानून की शक्ति को चरम पर पहुंचा चुके थे। पूर्वज कुमो वास्तव में अमर स्तर तक साधना करने में सक्षम होने के लिए एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। इन राक्षसी छायाओं ने शून्य को ध्वस्त कर दिया, जो अतुलनीय रूप से भयानक लग रहा था। यह एक प्रकार की दानव मार्शल आर्ट थी जिसे उसने बनाया था और यह बहुत ही अद्भुत थी। यदि आप अभी भी हार नहीं मानते हैं तो मैं आपके सभी अहंकार को नष्ट कर दूं। येजीवेन गरज उठा और उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गरजने लगी। उसने सीधे स्काई ऑर्बिटिंग सील को संघनित किया और उसे नीचे गिरा दिया। बूम, तेज गर्जना के साथ आकाश पलटने वाली सील दानव छाया की परतों में धंस गई, तुरंत दानव ध्वनियों की परतों का विनाश कर दिया। यह येजीवेन की चरम यान की स्काई पलटने वाली सील का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ था।
मुरझाया हुआ दानव पूर्वज का हमला एक ही चाल में पूरी तरह टूट गया। तो ज़िवेन ने फायदा नहीं होने दिया, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पलटते हुए स्काई सील को फिर से तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि पूरा आसमान उल्टा हो गया है और ढह गया है। पूर्वज कुमो बार बार पीछे हटे, उनकी आंखें पूर्ण अविश्वास से भरी थीं। वह बड़बड़ाता रहा, असंभव असंभव, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है, वह इतना मजबूत नहीं हो सकता। इसने उनके विश्वदृष्टि को पूरी तरह से उलट दिया। मूल रूप से ये ज़िवेन को अभी भी उसके आक्रमण के तहत भागना पड़ा था, एक आवारा कुत्ते की तरह घबराते हुए। वह सामान्य स्थिति थी, लेकिन यह स्थिति क्या थी? अभी कुछ ही दिन हुए थे, ये ज़िवेन इतनी अत्याचारी कैसे हो गई? यह असंभव क्यों है? यह सिर्फ इतना है कि तुम कुएं में एक मेंढक थे और कुछ भी नहीं जानते थे। ये ज़िवेन ने उपहास किया, बिल्कुल परवाह न करते हुए, और सीधे अपनी हथेली से नीचे गिरा दिया। उसकी हथेली सीधे आसमान में पलटती हुई सील में बदल गई, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, इसके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके आक्रमण को रोक सके। पूर्वज कुमो शर्मिंदगी में भागते रहे, लेकिन यह बेकार था। ये ज़िवेन डूबते हुए कुत्ते को पीटने के सिद्धांत को अच्छी तरह समझती थी। धिक्कार है, वह इतना प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है। इस क्षण वह अंत में समझ गया कि उसने एक निश्चित रीगल संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली शिष्य को उकसाया होगा। अमर स्तर के शिखर पर सीधे छलांग लगाने और सीधे अमर स्तर पर कूदने में सक्षम होने के लिए इस तरह की युद्ध शक्ति उनके लंबे करियर में अनसुनी थी। अकेले देखने दें। मरो, तुम जाना चाहते हो? यह देखकर कि पूर्वज कुमो बचना चाहते थे, ये ज़िवेन तुरंत उड़ गए और सीधे एक मुक्का मारा। पशु दाओ, उसकी मुट्ठी अनगिनत क्रूर जानवरों और दैवीय जानवरों में तब्दील हो गई, जिससे पूर्वज कुमो के बचने के सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए। उसे एक झटके में उसे मारना पड़ा। धिक्कार है, अपने आप से बहुत अधिक मत बनो। अगर मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता तो इसे प्राप्त करने के बारे में भी मत सोचो, हाहाहा। आखिरी समय में पूर्वज कुमो पागल हो गए। उसे यक्षिवेन द्वारा एक गतिरोध में धकेल दिया गया था और वह अब इतनी परवाह नहीं कर सकता था। अनगिनत राक्षसी ची उसके शरीर में घनीभूत होने लगी और अचानक बाहर की ओर फूट पड़ी। ओह तेरी, ये ज़िवेन गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने पूर्वज कुमो को सीधे भगवान के स्रोत की नदी में कूदते देखा और सीधे विस्फोट कर दिया। एक अमर स्तर के गुरु का आत्मा विनाश कितना भयानक था। इसने सब कुछ नष्ट कर दिया और परमेश्वर का अनगिनत स्रोत वाष्पित हो गया। ये ज़िवेन के पास नष्ट होने से पहले केवल एक मुट्ठी भर परमेश्वर के स्रोत को हड़पने का समय था। टकराना, ये ज़िवेन बुरी तरह से दालान में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कई मैट्रिक सरणियों को तोड़ दिया। उस भयानक शक्ति ने उसे कुचल दिया और उसकी छाती को हिला दिया, जिससे वह घुटन महसूस करने लगा। यहाँ तक अपने सोने के अत्याचारी रूप की ताकत के साथ वह आंतरिक चोटों से पीड़ित होने की स्थिति में अप्रत्याशित रूप से हिल गया था। एक मरे हुए दायरे के विशेषज्ञ का लापरवाह आत्मविस्फोट वास्तव में दुर्जय और भयानक था। हालांकि यह आंतरिक चोट फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के साथ थोड़े संचलन के बाद लगभग समाप्त हो गई थी। हालांकि वह उदास था कि पूरी शेन्यवान नदी उस बूढ़े व्यक्ति कुमो पुराने पूर्वज द्वारा वाष्पित हो गई थी। उस रसातल नदी में कम से कम करोड़ों शेन्यवान थे। अगर वह इसे पा लेता तो वह रातों रात अमीर बन जाता। उसके लिए एक ही बार में मरे हुए दायरे को तोड़ना काफी होगा। हालांकि खेती को शेन्यवान का संचय नहीं कहा जा सकता था, वास्तव में खेती की गति का शेन्यवान की मात्रा के साथ बहुत कुछ था। उसके पास जितना अधिक शेन्यवान होगा, उसकी साधना की गति उतनी ही तेज होगी। यह बहुत ही स्वाभाविक था। धत्तेरी की, ये ज़िवेन बहुत उदास थी। अंत में 10 मिलियन दिव्य जड़ों में से वह केवल लगभग 500,000 दिव्य जड़ों को हथियाने में सफल रहा। हालांकि यह कोई छोटी राशि नहीं थी, लेकिन अगर उन्हें यह 500,000 दिव्य जड़ें पहले मिल जाती तो उन्हें बहुत खुशी होती। लेकिन अब जब उसने करोड़ों शेन्यवान को देख लिया था तो वह इसे छोड़ने के लिए कैसे तैयार हो सकता था। हालांकि वह इस समय पीछे नहीं हट सका। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो शायद हर रास्ते में ये शेन्यवान नहीं थे। इसके अलावा उसके पीछे दिव्य नस्ल की सेना और करीब आ रही थी। वह डर गया था कि उन्होंने पहले ही प्रवेश द्वार पर कब्जा कर लिया था। पीछे हटना अवास्तविक था। उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके अलावा वह 10,000 स्पेल रूले को छोड़ना नहीं चाहता था। मुयूसी और मुयूसी भी बहुत उदास थे। अगर ये ज़िवेन करोड़ों शेन्यवान प्राप्त कर सकता है तो उन्हें भी एक हिस्सा मिल सकता है। यहाँ तक अगर यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था तो यह बहुत बड़ी रकम होगी। वे कुमो पुराने पूर्वज से बहुत नफरत करते थे। चलो, हम अब और देर नहीं कर सकते। दूसरों की तुलना में मुझे डर है कि हम पहले से ही बहुत पीछे हैं, ये ज़िवेन ने जल्दी से कहा। ये ज़िवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर में जादुई शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने उन दैवीय स्रोतों को परिष्कृत करना आरंभ किया।
500,000 दिव्य स्रोत प्राप्त करने के बाद, हालांकि यह लाखों दिव्य स्रोतों के मूल दसियों के बराबर नहीं था, यह उसके लिए पर्याप्त था कि वह अमर स्तर के शिखर तक पहुंचने से पहले पर्याप्त दिव्य स्रोत न होने की चिंता न करे। वे तीनों पूरे मार्ग में चले गए और यह पता चला कि एक शिवेन की पिछली पसंद वास्तव में सही थी। यह मार्ग वास्तव में अंतिम मकबरे के कक्ष तक ले गया। पूरा मकबरा अतुलनीय रूप से चौड़ा था और पत्थर की दीवारों पर उन छवियों को उकेरा गया था जो तियान कबीले से संबंधित थी। वे जीवंत और सजीव थे और उनमें से प्रत्येक के पास एक अद्वितीय शक्ति थी। यहाँ तक उनके भीतर अतुलनीय रूप से भयानक मार्शल आर्ट मिश्रित थे, जैसे कि वे किसी भी समय पत्थर की दीवारों से नीचे उड़ सकते थे। हालांकि ये जिवेन ने करीब से देखा और पाया कि ये प्रेत वास्तव में एक ही व्यक्ति थे। यह सही है, वे वास्तव में वही व्यक्ति थे। इन भूतों की विभिन्न मुद्राएं थी और ऐसा लगता था जैसे ये एक ही व्यक्ति के हजारों अवतार हों। ये जिवेन को यह सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि ये प्रेत कौन थे। वह जानता था कि वे कौन थे। अगर वह गलत नहीं था तो उसे धर्मराजा होना चाहिए। ये धर्मराजा के तथाकथित धर्मराजा होने चाहिए। हजारों प्रकार के धर्म शरीर थे और उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली था। पूरे विशाल मकबरे के कक्ष में एक विशाल ताबूत लगातार एक अजीब ताकत के कर्षण के तहत ऊपर और नीचे घूम रहा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह ताबूत वास्तव में एक उच्च श्रेणी का भगवान उपकरण था और इसने लोगों को इस ताबूत को छीनने का आग्रह किया। जब वे पहुंचे, दृश्य पहले से ही पूरी तरह गड़बड़ था। इस ताबूत में धर्म राजा को प्राप्त करने के लिए अनगिनत लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। चाहे वह पौराणिक धर्म रॉलेट हो या धर्म राजा की लाश, वे सभी अनमोल खजाने थे जिनका कोई मूल्य नहीं था। क्या यह इसीलिए नहीं था कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर घुसे? व्यवहारिक रूप से वे सभी अपने लिए लड़ रहे थे और यह पूरी तरह गड़बड़ थी। इस दौरान पूरे समाधि कक्ष में अफरा तफरी मच गई। देवताओं को किसी भी समय हवा में उड़ाते हुए देखा जा सकता था और पत्थर की दीवारों पर धर्म राजा के प्रेत धीरे धीरे जमते हुए प्रतीत होते थे और वे वास्तव में रक्क्यूई को अवशोषित करने के बाद बदल रहे थे। ये जिवेन के दृष्टिकोण से उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कुराहट थी, जैसे कि वह इन लोगों का मजाक उड़ा रहा हो कि वे उसके लिए पागल हो गए हैं। ये जिवेन लड़ाई में भाग लेने की जल्दी में नहीं थी। अब जो कोई भी ताबूत के पास जाने की हिम्मत करेगा, बाकी सभी उस पर हमला करेंगे। ताबूत के सामने मौत की एक लकीर बन गई थी और यह बेहद क्रूर लग रही थी। पत्थर की दीवारों पर प्रेत अजीब हैं। ये जिवेन ने इन भूतों पर नजर डाली और पाया कि ये प्रेत वास्तव में लगातार जम रहे थे और इन भूतों को धीरे धीरे जमने का कारण इन देवताओं का रक्तसार था। जिन देवताओं को बहुत पहले मार दिया गया था, वे अपने रक्त के आधे से अधिक सार को खो चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी चीज द्वारा अवशोषित कर लिया गया हो। यह ऐसा था जैसे यह किसी चीज से समा गया हो। हालांकि सबकी नजरें ताबूत पर थी, इसलिए किसी ने गौर नहीं किया। यदि यह सामान्य समय में होता, जब तक कोई थोड़ा ध्यान देता, वे यह पता लगाने में सक्षम होते कि यहाँ कुछ गलत था और ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होगी। आप सब जाओ, हमारा पवित्र आत्मा परिवार धर्म राजा का ताबूत चाहता है। शून्य से एक जोर की चीख सुनाई दी और फिर 20 से अधिक लोगों का एक समूह सीधे भीड़ के बीच से गुजरा और ताबूत के सामने दिखाई दिया। सब रुक कर इधर उधर देखने लगे। उन्होंने एक युवक को देखा जो 20 वर्ष का लग रहा था, पवित्र भूत परिवार के 20 से अधिक विशेषज्ञों का नेतृत्व कर रहा था और उनका रास्ता रोक रहा था। क्या पवित्र आत्मा परिवार भी आ गया है? अभी कोई रास्ता नहीं था और यह स्पष्ट है कि वे इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी ने कहा, धिक्कार है, मुझे यह मत बताओ कि हम पवित्र आत्मा परिवार के लिए शादी की पोशाक बनाने जा रहे हैं। किसी ने अनिच्छा से कहा, जरा रुको और देखो। हालांकि पवित्र आत्मा परिवार अत्याचारी है, उनका कोई विरोधी नहीं होना चाहिए। वे उन्हें आपे से बाहर नहीं होने देंगे। हर कोई रुक गया और उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हालांकि पवित्र आत्मा परिवार ने केवल 20 से अधिक लोगों को भेजा था, उनमें से प्रत्येक अमर स्तर के शिखर पर था और वह युवक अपने बिसवा दशा में एक लंबी और शक्तिशाली आभा रखता था और वह स्थिति को दबाने में सक्षम था अपनी ताकत से। क्या वह पवित्र आत्मा परिवार से शिंग हो सकता है? मुयोक्सी ने एक नजर डाली और वह एक गहरी सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सका और उसने कहा, मैंने उसका नाम सुना है। हालांकि उसने 20,000 से कम वर्षों के लिए साधना की है और वह पहले से ही शाश्वत स्तर पर है। वह बहुत शक्तिशाली। यह नहीं हो सकता, यह वह है। ये वास्तव में परेशानी भरा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पवित्र आत्मा परिवार के पास इतना छिपा हुआ तुरुका इक्का होगा। मोगन्ना के कहने के बाद उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। यह पवित्र आत्मा परिवार, क्या यह हो सकता है? ये जिवेन को तुरंत याद आया कि उन्होंने इस प्राचीन शाही परिवार की शक्ति के बारे में एक हस्तलिखित पुस्तक में पढ़ा था। वह वर्तमान पीढ़ी में देवताओं के बीच शक्तिशाली लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानता होगा। हालांकि शाही परिवार इन शक्तिशाली शाही संप्रदायों के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं थे। पवित्र आत्मा परिवार के बारे में कई किंवदंतियां थीं।
वे आमतौर पर अपनी ही दुनिया में रहते थे और उनमें से बहुत कम लोग बाहर जाते थे। आमतौर पर सैकड़ों या हजारों वर्षों के लिए केवल एक या दो लोग ही बाहर जाते होंगे, इसलिए बहुत से लोग इनके बारे में नहीं जानते थे। हालांकि यह स्वाभाविक रूप से हिडन वैली जैसे शाही संप्रदाय के लिए कोई समस्या नहीं थी, उनके पास उनके बारे में विस्तृत रिकॉर्ड थे। पवित्र आत्मा परिवार एक परिवार नहीं था, इसके बजाय इसका गठन शेन परिवार और लिंग परिवार द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता था कि पवित्र आत्मा परिवार का गठन किया गया था क्योंकि शेन परिवार और लिंग परिवार के पूर्वज दो शक्तिशाली शाही विशेषज्ञों के साथ सेना में शामिल हो गए थे। हालांकि पवित्र आत्मा परिवार को दो भागों में विभाजित किया गया था, शेन परिवार और लिंग परिवार। सामान्यतया एक राजा स्तर के विशेषज्ञ वाले बल को शाही संप्रदाय कहा जा सकता है। हालांकि जितने अधिक राजा स्तर के विशेषज्ञ होंगे, बल उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। पवित्र आत्मा परिवार में दो राजा स्तर के विशेषज्ञ थे जिन्हें काफी अच्छा माना जाता था, और हिडन वैली में राजा स्तर के सात विशेषज्ञ थे। राजा स्तर के विशेषज्ञों की सात शाखाओं को शाही संप्रदायों के बीच प्रथम श्रेणी का माना जा सकता है। केवल मार्शल ग्रेड संप्रदाय, प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड और अन्य सेनाएं जिन्होंने सम्राट स्तर के विशेषज्ञों का उत्पादन किया था, उन्हें रीगल संप्रदाय कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा परिवार जीतने के लिए दृढ़ है। येजीवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, वह शेंग वूफा को नहीं जानता था और उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि इसने उसे यह जानने से नहीं रोका कि शेंग वूफा कितना अत्याचारी था। वह वास्तव में एक परेशान करने वाला विरोधी था। साथी दाववादियों, कृपया हमारे पवित्र आत्मा परिवार को कुछ चेहरा दें। आप अन्य जादुई खजाने और दिव्य स्रोत ले सकते हैं, हालांकि हमारा पवित्र आत्मा परिवार 10,000 विधि रूलेट और कानून के राजा की लाश लेगा। शेंग वूफा ने आगे बढ़कर अपने हाथों को प्रणाम किया। सभी दिशाओं में अपनी निगाहें घुमाते हुए उसकी आंखें मशाल की तरह थीं। हालांकि उसने सभी को नाराज करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि मांस के इतने बड़े टुकड़े को निगलना एक व्यक्ति के लिए असंभव था। हालांकि 10,000 विधि रूलेट और कानून के राजा की लाश प्राप्त करना पहले से ही एक बड़ी बात थी, बाकी लेना संभव नहीं था। अन्यथा पवित्र आत्मा परिवार की प्रतिष्ठा जनता की बढ़ती भावनाओं को छुपाने में सक्षम नहीं होती। इस शेंग वूफा को शेंग परिवार की युवा पीढ़ी का विशेषज्ञ होना चाहिए। केवल 20,000 वर्षों में इस तरह की खेती करना उसके लिए काफी अच्छा है। हालांकि वे बहुत असभ्य और अनुचित हैं। वे वास्तव में 10,000 मेथड रूलेट और किंग ऑफ लॉ की लाश को अपने लिए रखना चाहते हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आप आकर मुझसे बात कर सकते हैं, शेंग वूफा ने ठंडेपन से कहा। एक किंग बेस्टोवाल संप्रदाय की शक्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। हालांकि हिडन वैली भी एक राजा बेस्टोवाल संप्रदाय था और पवित्र आत्मा परिवार की तुलना में अधिक आत्मविश्वासी था, मुयूसी एक महत्वपूर्ण शिष्य नहीं था। वह शेंग वूफा जैसे पवित्र आत्मा परिवार के एक प्रमुख शिष्य के रूप में आत्मविश्वास से बात नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर येजीवेन ने संप्रदाय में थोड़े समय के लिए ही प्रवेश किया था। कई लोग हार कर पीछे हट गए। हर कोई किंग बेस्टोवाल संप्रदाय से नहीं था और हर किसी में ऐसा आत्मविश्वास नहीं था। हम स्वर्गीय दौड़ की सेना ठीक हमारे पीछे है। मैं देखना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा परिवार उन चीजों को कैसे ले जा रहा है, किसी ने कहा। असंबद्ध, ये जीवन हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पीछे हटना चाहिए? मोगन्ना ने पूछा। चूंकि वे एक किंग बेस्टोवाल संप्रदाय से नहीं थे, वे सहज रूप से हीन थे। इसके विपरीत मू युनशी के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। वह भी एक राजा बेस्टोवाल संप्रदाय से थी और पवित्र आत्मा परिवार से अधिक मजबूत थी। इतनी बड़ी भूख, मुझे डर है कि आपके पवित्र आत्मा परिवार के पूर्वज भी इतने मजबूत नहीं हैं। क्या आप खुद को खाने से नहीं डरते? दूर से एक और उपहास आया। कितनी बड़ी भूख है, मुझे डर है कि आपके पवित्र आत्मा परिवार के पूर्वज भी इतने मजबूत नहीं हैं। क्या आप अपने आप को खाने से डरते नहीं हैं? दूर से एक और उपहास आया। तभी एक और आकृति प्रकट हुई। यह बैंगनी वस्त्र में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसने शेंग वूफा को अपने चेहरे पर उपहास के साथ देखा। तुम कौन हो? क्या तुम हमारे पवित्र आत्मा परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो? शेंग वूफा को गुस्सा आ गया। वह अंततः भीड़ को दबाने में कामयाब हो गया था, लेकिन इस व्यक्ति ने उसकी गति को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। हाँ, पवित्र आत्मा परिवार कितना शक्तिशाली है, लेकिन यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या आपने स्वर्ग शिकारी संप्रदाय के बारे में सुना है? हालांकि अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंसा और उसके शरीर से असीम शक्ति निकल गई। वह एक और अत्यंत शक्तिशाली गुरु थे। क्या स्वर्ग शिकारी संप्रदाय? धिक्कार है, यह तुम लोग हो, मरो। शेंग वूफा को गुस्सा आ गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और उसने मुक्का मारा, सीधे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को मार डाला। उन दोनों ने शून्य में हजारों वार किए। पल भर में इन्होंने दुनिया तोड़ दी थी। वे अतुलनीय शक्तिशाली थे। तो यह स्वर्ग शिकारी संप्रदाय है? कोई आश्चर्य नहीं कि शेंग वूफा पागल हो गया, म्यू युसी ने सिर हिलाया।
येजेवेन ने भी सिर हिलाया। हेवन हंटर संप्रदाय एक बहुत ही अजीब संप्रदाय था। उनका संप्रदाय उन जीवों का शिकार करने में माहिर था जिनका पालन पोषण प्रकृति ने किया था। उदाहरण के लिए यूनकेजी भी इन्हीं जीवों में से एक थे। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा परिवार भी एक ऐसा प्राणी था जिसका पालन पोषण प्रकृति ने किया था। ये प्राणी आमतौर पर शक्तिशाली और हिंसक थे। उनके पूर्वज प्राचीन काल से ही आदिम अराजकतावादी देवता थे। वे शक्तिशाली और भयानक अस्तित्व के रूप में पैदा हुए थे। उनके मांसल शरीर आकाश को फाड़ सकते थे और पृथ्वी को विभाजित कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से ऐसे भयानक अस्तित्व अब पैदा नहीं हो सकते थे। हालांकि जियानिटियन जीव अभी भी बहुत शक्तिशाली थे। वे दाव और तकनीकों के साथ पैदा हुए थे। हर कोई अभ्यास कर सकता था और अभ्यास न कर पाने जैसी कोई बात नहीं थी। प्रत्येक कबीले में बहुत से लोग नहीं थे। हालांकि जियानिटियन जीव अभी भी बहुत शक्तिशाली थे। वे दाव और तकनीकों के साथ पैदा हुए थे। हर कोई अभ्यास कर सकता था। वे जीतने के लिए संख्या पर निर्भर नहीं थे बल्कि गुणवत्ता के आधार पर वे कई अन्य जातियों से श्रेष्ठ थे। साधारण लोगों ने उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं की। हालांकि एक अपवाद था और वह था हेवन हंटर संप्रदाय। यह संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था और वे जियानिटियन जीवन रूपों का शिकार करने में माहिर थे। यहाँ तक उनकी खेती की तकनीकों को विशेष रूप से जियानिटियन जीवन रूपों को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था। वे जियानिटियन जीवन रूपों को दबा सकते थे और उनका उपयोग अपनी खेती को मजबूत करने के लिए कर सकते थे। इसलिए हेवन हंटर संप्रदाय और कॉर्नेट जीवन रूपों के बीच संबंध बेहद खराब थे। दोनों पक्षों में खून का झगड़ा था और अनगिनत वरिष्ठ और विशेषज्ञ एक दूसरे के हाथों मारे गए थे। हेवन हंटर संप्रदाय ने कॉर्नेट जीवन रूपों का शिकार करके अपना जीवन यापन किया। इसके विपरीत कॉर्नेट जीवन रूपों के बीच कुछ शक्तिशाली अस्तित्व थे जो विभिन्न कारणों से हेवन हंटर संप्रदाय के विशेषज्ञों का शिकार करने लगे। हम्फ, मुझे अब तुम्हें मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरा रास्ता मत रोको, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। स्वर्ग शिकारी संप्रदाय के शिष्य ने उपहास किया और विशाल ताबूत की ओर उड़ गए। धिक्कार है, मैं तुम्हें इससे कैसे दूर होने दे सकता था। शिंगहुफा को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसका पीछा किया। एक पल के लिए तो पूरा नजारा बेहद अराजक हो गया था। उपस्थित लोगों में से कई लोगों ने देखा कि संत वुफा अब नहीं रहे, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी चाल चल दी और पवित्र आत्मा परिवार के विशेषज्ञों की ओर बढ़ने लगे। यह पूरी गड़बड़ी थी। चूंकि वे पहले से ही यहाँ थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो ताबूत में लाश और पौराणिक 10,000 विधि रूले को प्राप्त नहीं करना चाहता था। इस समय आकाश में अनगिनत युआन क्यूई और जादुई शक्ति मौके पर ही फट गई। एक ही समय में इतने सारे देवताओं के आक्रमण के साथ यह एक भयानक दृश्य था। बड़ी बहन का भी पल भर में नाश हो जाता। हालांकि मकबरा गतिहीन रहा, मानो यह केवल नश्वर लोगों का समूह हो जो लड़ रहे हों। यहां तक मकबरे में गहरी दबी कई शक्तिशाली मैट्रिक्स सरणियां भी सक्रिय नहीं थीं। यह समय है, मुझे इस तथ्य का लाभ उठाना है कि मेरे पीछे तियान कबीले की सेना को अभी तक वापस नहीं आना है और ताबूत को ले जाना है। ये क्षिवेन जोर से चिल्लाए, तुम दोनों सावधान रहो और अपनी रक्षा करो। एक पल में वह उड़ गया और बह गया। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि हालांकि ऐसा लग रहा था कि ताबूत केवल कब्र के केंद्र में था और यह उनसे केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह मकबरा वास्तव में अंतरिक्ष की कई परतों से बना था और ताबूत इन जगहों की सबसे भीतरी परत में था। येजेवेन ने पूरे रास्ते उड़ान भरी, लेकिन वह अभी भी अंतरिक्ष की सबसे बाहरी परत में रुका हुआ था। धिक्कार है, इसे मेरे लिए खोल दो। येजेवेन ने दहाड़ा और तुरंत इस अंतरिक्ष अवरोध को तोड़ दिया। वह सीधे दूसरे बैरियर स्पेस में पहुंचे। हालांकि इस तरह के बहुत सारे अवरोध स्थान थे। भगवान जानता था कि उन्हें एक एक करके तोड़ने में कितना समय लगेगा। इस समय उन्होंने देखा कि संत वुफा और हेवन हंटर संप्रदाय के शिष्य पहले ही आकाश और जमीन तक लड़ चुके थे। उनके आक्रमण से अंतरिक्ष की परतें टूट गईं। वे दोनों पहले ही खुद को भूल चुके थे, खासकर संत वुफा। वह स्वर्ग शिकारी संप्रदाय के शिष्य को जाने नहीं देगा, भले ही उसे मरना पड़े। वह उस घृणा को जाने नहीं दे सकता था जो उसके खून में गहराई से उकेरी गई थी। बहुत से लोग जल्दी से ये क्षिवेन के पीछे पीछे हो लिए। पवित्र आत्मा परिवार की बाधा को तोड़ने के बाद वे एक के बाद एक उसका पीछा करते रहे। ये क्षिवेन भी लगातार जगह बना रही थी। जब उन्होंने अंतरिक्ष को कुछ हद तक तोड़ दिया, अचानक शक्तिशाली आंकड़े अचानक शून्य में सबके सामने प्रकट हुए। हर कोई हैरान था। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि यह धर्म राजा के हमशक्लों की दीवार पर छाया थी। वे अत्यंत शक्तिशाली थे। कई लोगों के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था और इन छायाओं ने उन पर हमला कर दिया। वे हवा में फंस गए और फिर उनके शरीर को पकड़ लिया गया और रक्त के धुंध के बादल में बदल दिया गया। ये छायाएं बहुत शक्तिशाली थीं। उनमें धर्म राजा की सर्वोच्च इच्छा निहित थी। ऐसी इच्छा का कोई विरोध नहीं कर सकता था। येजेवेन ने अमर स्तर के शिखर पर एक विशेषज्ञ को लापरवाही से कुछ शक्तिशाली आभासी छायाओं से घिरे देखा।
फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इन हमशक्लों की संख्या दसियों हजार थी, लेकिन इतने देवता नहीं थे कि अचानक हमला कर दिया। इसलिए इसने एक समस्या पैदा की, किसी भी भगवान को कुछ शक्तिशाली छायाओं के आश्चर्यजनक हमले का सामना करना पड़ेगा। अभी जब वह इस समस्या के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसे अपने सामने कुछ परछाइयां दिखाई दी। ये परछाइयां उस भ्रामक रूप से पूरी तरह से अलग थी जो येसिवेन ने पहली बार देखी थी। उनके पास वास्तव में एक भौतिक शरीर था। हर बार जब किसी भगवान का सिर काटा जाता था तो उसका सार और रक्त इन धर्म राजा के हमशक्लों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता था। तब वे और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। यह धर्म राजा का सबसे शक्तिशाली साधन था। हजारों छायाओं के हमले का सामना कौन कर सकता था जिसमें देवताओं के हमले के तरीके थे। यदि येसिवेन यहाँ अकेले दिखाई देती है तो अंतिम परिणाम केवल मौत के लिए घेरा जाना होगा। हालांकि यह इस समय स्वाभाविक रूप से अलग था, उन्हें एक ही समय में हजारों हमशक्लों का सामना नहीं करना पड़ा। हम्फ, येसिवेन ने ठंडी सांस ली और एक मुक्का मारा। दुर्जय मुट्ठी ऊर्जा ने सब कुछ तोड़ दिया, एक धार में बदल गया और उसके सामने आभासी छाया को तोड़ दिया। यह चेतना और ऊर्जा में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया। फिर ये जीवन ने यह सब पकड़ लिया और इसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। इस समय ये जीवन के शरीर का रहस्यमय स्थान अचानक लगातार काम करना शुरू कर दिया। कुछ चेतना और तकनीकें सब छीन ली गई। ये जीवन ने ही पता लगाया कि ये छायाएं धर्म राजा के हमशक्लों द्वारा बनाई गई थी, इसलिए वे कमोबेश धर्म राजा की तकनीकों के कुछ निशान और यहाँ तक कि धर्म राजा की कुछ स्मृतियां भी लिए हुए थे। हालांकि उसने केवल एक को मार डाला, इसलिए उसे जो जानकारी मिली वह काफी सीमित थी। यह सोचकर येसिवेन बिल्कुल भी नहीं हिचकी। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और सीधे उसके सामने कुछ धर्म भूतों को मार डाला। फिर उन्होंने सभी दिव्य इंद्रियों और उनके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। उन्हें अवशोषण के लिए रहस्यमय स्थान पर खिलाया गया और फिर बहुत सारी गंदी जानकारी में बदल दिया गया। येसिवेन बहुत खुश थी। निश्चित रूप से, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, वास्तव में धर्म राजा की बहुत सारी अंतर्दृष्टि और उसमें छिपी कुछ मार्शल आर्ट की अधूरी जानकारी थी। अगर वह और अधिक हमशक्लों को मार सकता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसके लिए एक शक्तिशाली धर्म राजा को बहाल करना संभव था। भले ही यह केवल चेतना ही क्यों न हो, यह अकल्पनीय था। और तो और, इसमें स्वर्गीय मार्ग की बहुत सारी जानकारी थी जो कि सामान्य लोग प्राप्त नहीं कर सकते थे। किसी को पता होना चाहिए कि धर्म राजा एक ऐसा अस्तित्व था जो प्राप्त करने से आधा कदम दूर था। किंवदंती के अनुसार उस युग में वह सम्राट स्तर के सबसे निकट का अस्तित्व था। येसिवेन सोच भी नहीं सकते थे कि स्वर्गीय मार्ग के बारे में उनकी समझ कितनी गहरी थी। थोड़ी सी जानकारी ने उन्हें अचानक एहसास करा दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी खेती और समझ लगातार बढ़ रही थी। यदि वह धर्म राजा की पूर्ण चेतना को संघनित कर सके तो यह एक चमत्कार होगा। हालांकि इसकी थोड़ी सी ही संभावना थी, लेकिन यह काफी था। यह सोचकर ये हमशक्ल जिनसे वह मूल रूप से बचना चाहता था, ये येसिवेन की आंखों में बहुत बड़ा खजाना बन गया। उसने उनकी ओर देखा। वैसे भी स्वर्ग शिकारी संप्रदाय के शिष्य और शेंग गुफा ने अभी तक उन जगहों को नहीं तोड़ा था, इसलिए उसके पास अभी भी समय था। हालांकि ये हमशक्ल महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे धर्म राजा के वास्तविक शरीर जितने महत्वपूर्ण नहीं थे। अपना मन बनाने के बाद ये येसिवेन ने तुरंत कार्य करना शुरू कर दिया। वह मैदान में लगातार आगे पीछे झूलते रहे। ये भगवान डोपेलगेंगर से नाराज थे और कई लोगों ने इन डोपेलगेंगर्स में अपनी जान भी गंवाई। अभी जब उन्हें सिरदर्द हो रहा था, तभी अचानक आकाश से कोई प्रकट हुआ और इस बड़ी समस्या को हल करने में उनकी मदद की। वे बस यह नहीं जानते थे कि अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे करें। बहुत से लोगों ने येसिवेन को पागलपन से मारते हुए देखा और उन हमशक्लों को अचंभे में डाल दिया, लेकिन कोई मूर्ख नहीं था। शीघ्र ही कुछ लोग उसकी नकल करने लगे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि येसिवेन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि किसी ने ऐसा किया है तो कोई कारण होगा। शायद कुछ ऐसे फायदे थे जो दूसरों को नहीं पता थे। हालांकि उनके पास रहस्यमय स्थान की शक्तिशाली विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं थी। इसके अलावा अगर उनके पास था भी तो उनमें येसिवेन जैसा साहस नहीं था। लगभग हजारों ईश्वर स्रोत पागलपन से जल रहे थे। केवल तभी वे धर्म छाया के ऐसे उन्मादी विश्लेषण का समर्थन कर सकते थे, दूसरे बिल्कुल नहीं कर सकते थे। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि वे वो नहीं कर सकते जो येसिवेन ने किया था। दूसरे शब्दों में, वे नहीं जानते थे कि येसिवेन लाभ कमाने के लिए किस तरह के हथकंडे अपना रही थी। वे केवल बेबसी से देख सकते थे, क्योंकि येसिवेन ने बेरहमी से इन भूतों का वध किया, उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर उन्हें अवशोषित कर लिया। वे जानते थे कि कुछ ऐसे फायदे हो सकते हैं जिनके बारे में उन्हें नहीं पता, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। जहां तक इस बात की संभावना थी कि येसिवेन उन्हें धर्म की छाया से छुटकारा दिलाने में मदद करने के लिए एक अच्छा काम कर रही होगी, उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था। यह कैसे संभव हो सकता है? हालांकि ऐसा नहीं था कि किसी के पास अन्य विचार नहीं थे।
उन्होंने इन सभी टुकड़ों को एकत्र किया। शायद यह भविष्य में फायदेमंद होगा। कुछ लोगों ने इन परछाइयों को केवल यक्षिबेन को रोकने के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि यह केवल एक अल्पसंख्यक था, ज्यादातर लोगों का लक्ष्य केंद्र में विशाल ताबूत था। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। आकाशीय जनजाति सेना पीछे भागती रही। वे पहले से ही स्काउट्स को आते हुए देख सकते थे, लेकिन अधिकांश लोगों को इन स्काउट्स की परवाह करने का मूड नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह उन लोगों के प्रति दयालु नहीं होगा जिन्होंने यक्षिबेन को रोकने की कोशिश की थी। वह तुरंत बाहर निकला और एक व्यक्ति के सामने दौड़ा जो अभी भी इन टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा था। मरना, उन्होंने एक मुक्का फेंका और एक भयानक मार्शल डाउ टोरेंट जारी किया गया, जिससे शुरुआती स्तर के अमर स्तर के बिजली घर में विस्फोट हो गया। शुरुआती अमर स्तर के भगवान ने केवल एक भयानक दबाव महसूस किया जिसे उन्होंने पहले कभी भी मौके पर महसूस नहीं किया था। उसने तुरंत घुटने टेक दिए। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, यक्षिबेन के मुंह से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उनकी मूल भावना नष्ट हो गई थी। ऐसी अवस्था में विस्फोट होने से यहाँ तक एक अविनाशी स्तर के विशेषज्ञ की मौलिक आत्मा को भी बहुत नुकसान होगा, एक अमर स्तर के भगवान की तो बात ही छोड़िए। फिर बहुत जल्द कई विशेषज्ञ जो अलौकिक में विश्वास नहीं करते थे, यक्षिबेन के हाथों मारे गए। वह अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। सब जल्दी समझ गए। कुछ लोग यक्षिबेन को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये छायाएं फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन वे इसके बारे में नहीं जानते थे। इसके लिए अपनी जान कुर्बान करने की जरूरत नहीं थी। इन लोगों के इधर उधर खिलवाड़ किए बिना यक्षिबेन के लिए इन परछाइयों के टुकड़ों को इकट्ठा करना बहुत आसान था। मूल रूप से सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चला गया। जैसे जैसे अधिक से अधिक जानकारी का विश्लेषण किया गया, समय समय पर कुछ स्मृति अंशों को उनके दिमाग में चमकता देखा जा सकता था। असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में शून्य भी कांप रहा था। भयानक शक्ति हर जगह थी, एक हिंसक महासागर की तरह, लहर के बाद लहरों को दूर करना। युद्ध के नारों से हवा भर गई और हर जगह खून देखा जा सकता था। यादों के ये टुकड़े मूल रूप से पहले व्यक्ति के नजरिए से थे। वह हर जगह घिरा हुआ था और इसी तरह के कई अत्याचारी सर्वोच्च अस्तित्वों ने उसे घेर लिया था। उस तरह की लड़ाई ने यक्षिबेन को डर से काम दिया। एक हाथ या एक पैर के हर उठने के साथ अनगिनत कानून शून्य से बाहर आ जाते। दैवीय राज्य टकराए और दुनिया मौके पर ही नष्ट हो गई। असंख्य तारे तुरंत बिखर गए और जीवन की लपटें बुझ गईं। यह कितना भयानक युद्ध था। इन यादों के अलावा खेती की समझ के बारे में भी कुछ जानकारी थी। हालांकि वे कुछ आंतरायिक थे और स्वर्ग के दाव समझ को नहीं जोड़ते थे, एक शीर्ष बिजली घर की समझ जो ताओ में आधा कदम था, भले ही वह थोड़ा सा ही क्यों न हो, यक्षिबेन के लिए बहुत उपयोगी था। उसकी ताकत में भी लगातार सुधार हो रहा था और जितना अधिक वह समझ रहा था उतनी ही तेजी से उसकी ताकत में सुधार हो रहा था। वह तेजी से अमर स्तर के अंतिम चरण के चरम पर पहुंच रहा था। वहीं इन यादों में एक बेहद अत्याचारी मुट्ठी तकनीक भी थी। इसे 10,000 टेक्निक क्रिएशन फिस्ट कहा जाता था। मुट्ठी की यह तकनीक बहुत प्रभावशाली थी और यह मुट्ठी की तकनीक थी जिसे 10,000 तकनीकों के राजा ने स्वयं समझा था। इन बिखरी यादों से यक्षिबेन देख सकता था कि 10,000 टेक्निक किंग को सबसे अत्याचारी शीर्षक वाले बिजली घर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वह सम्राट के स्तर तक पहुंचने में विफल रहा, लेकिन वह बच गया। वह साधारण शीर्षक वाले बिजली घरों की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी था। इस मुट्ठी की तकनीक को तब समझा गया जब वह सम्राट के स्तर तक पहुंच रहा था। यद्यपि वह विफल रहा, इसकी शक्ति लगभग सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट के बराबर थी। यह बहुत प्रभावशाली था। अगर इसे 10,000 टेक्निक रूले के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसकी शक्ति एक नए स्तर तक बढ़ जाएगी। हालांकि इन स्मृतियों में 10,000 तकनीक निर्माण मुट्ठी के बारे में बहुत कम जानकारी थी। यक्षिबेन केवल रहस्यमय स्थान पर भरोसा कर सकती थी ताकि वह खुद इसका पता लगा सके। हालांकि जैसे जैसे उसने अधिक से अधिक भूतों को मारा, उसकी ताकत और मजबूत होती गई और 10,000 टेक्निक क्रिएशन फिस्ट के बारे में जानकारी भी बढ़ती गई। उनके शरीर पर स्वर्गीय जनजाति की आभा भी दिखाई दी। चूंकि 10,000 तकनीक राजा स्वर्गीय जनजाति का एक शक्ति केंद्र था, इसलिए उसकी मार्शल आर्ट की खेती में स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय जनजाति की आभा होगी। यह अजीब नहीं था। हत्या जारी रही। जब यक्षिबेन ने हजारों धर्म भूतों को मार डाला तो शेंग गुफा और हेवन हंटर संप्रदाय के शिष्यों ने भी कब्र के सबसे गहरे हिस्से में अपना रास्ता मार लिया था। वे कब्र से कुछ ही दूरी पर थे। इस समय अनेक देवताओं के बीच गृह युद्ध और भी तीव्र हो गया। कोई भी दूसरों को उनका फायदा नहीं उठाने देना चाहता था और अधिक से अधिक बिजली घर मारे गए। अनजाने में रक्त गायब हो गया था, जैसे कि उसे किसी चीज द्वारा अवशोषित कर लिया गया हो। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। यहाँ तक यक्षिबेन ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि रक्त उन धर्म छायाओं द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने केवल इसके एक हिस्से का अनुमान लगाया था।
जब उन्होंने उन धर्म छायाओं का वध किया तो उन्होंने पाया कि जमीन पर रक्त अभी भी आश्चर्यजनक गति से गायब हो रहा था। वह परमेश्वर का लहू था। बाहरी दुनिया में यह अनमोल था। अनगिनत लोग इसे खरीदने के लिए अपनी सारी दौलत खर्च करना चाहते थे, लेकिन वे चाहकर भी इसे नहीं खरीद सकते थे। अरे नहीं, क्या यह किसी तरह की साजिश हो सकती है? ये शिवेन की भौहें तनी थी, लेकिन उसकी भौहें केवल थोड़ी सी भभकी थी। जबकि अन्य अभी भी मार रहे थे, वह निष्क्रिय नहीं रहा। अंत में उन्होंने सभी धर्म प्रेत को आत्मसात कर लिया। यद्यपि यह केवल एक प्रारंभिक विश्लेषण था, यह उनकी साधना को दिवंगत अमर स्तर के शिखर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। वह अमर स्तर के शिखर से थोड़ा ही दूर था। 10,000 टेक्निक किन की इन यादों के साथ ये जिवेन ने सीधे तौर पर दशकों या सैकड़ों वर्षों का समय बचाया। यहाँ तक उन्होंने 10,000 तकनीक निर्माण मूर्ति का एक हिस्सा भी निकाला। बेशक आधार यह था कि उसने अपने हाथों में 700,000 से अधिक दिव्य स्रोतों का उपयोग किया था और केवल 10,000 दिव्य स्रोत ही बचे थे। हालांकि उन्हें इसका कोई मलाल नहीं था, केवल ताकत ही सबसे महत्वपूर्ण थी। उसकी ताकत पहले से अधिक मजबूत थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अधिक आत्मविश्वासी था। तुम दोनों सावधान रहो, मुझे डर है कि कुछ बदलाव हो सकते हैं। उन्होंने अपनी आवाज मुयोंक्सी और मोगन्ना तक पहुंचाई। उनमें से दो उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने अपना सिर नहीं खोया। निर्देश देने के बाद यक्षिवेन कार्रवाई करने वाली थी। अचानक उसे जोर की दहाड़ सुनाई दी। कई दिव्य योद्धा पहले ही हॉल में आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उनका कोई अंत नहीं है। बहुत से देवता जो युद्ध कर रहे थे तुरंत रुक गए। सब दंग रह गए। हालांकि उन्हें पहले से ही इसकी उम्मीद थी, फिर भी जब उन्होंने इस पल का सामना किया तो वे थोड़े स्तब्ध थे। उन्हें एक मृतंक में मजबूर कर दिया गया था और कोई रास्ता नहीं था। चांद मक्सू अपने चेहरे पर उपहास के साथ सबके सामने आया। उन्होंने कहा, जैसा कि एक मोटली क्रू से उम्मीद की जाती है, जब तक आपको थोड़ी सी जगह दी जाती है आप एक दूसरे को मार डालेंगे। मूल रूप से मैं रक्त बलिदान के बारे में चिंतित था। अब ऐसा लगता है कि मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अभी तुम सबको मार डालूंगा। इस समय अंत में सभी को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। हालांकि वे इस समय इतनी परवाह नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत से लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वे लाभों से अंधे हो गए थे। शायद वे एक अस्थायी उम्मीद कर रहे थे। आप मोटेली क्रू 10,000 तकनीकों के राजा को छूना चाहते हैं। आप वास्तव में मौत को दावत दे रहे हैं। उन सभी को मार डालो। चांद मक्सू ने उपहास किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मौके पर ही पार कर गया, मानो वह समय के अतीत और भविष्य को पार कर गया हो। एक पल में वह ताबूत के सामने दौड़ा और सीधे शेंग वुफा और हेवन हंटर संप्रदाय के शिष्य के साथ पकड़ा। वे दोनों अभी भी लड़ रहे थे। आकाशीय जाति की तुलना में जो अनगिनत वर्षों से प्रकट नहीं हुई थी, दुसेनाएं वास्तविक नश्वर शत्रु थी। उनके बीच गहरा खून का झगड़ा था। गड़गड़ाहट, वे तीनों सीधे लड़े। चांग मक्सू ने उन दोनों को बाहर रोकने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया। वह इस बात का फायदा उठा रहा था कि वे दोनों अंतहीन लड़ाई कर रहे थे। आसमान में हुए जोरदार धमाके के बीच जमीन हिंसक रूप से हिल गई। सभी के पैरों के नीचे एक सरणी दिखाई दी और प्रकाश की अनगिनत किरणें फूट पड़ी। प्रकाश की इन किरणों के बीच ताबूत के ऊपर एक अतुलनीय रूप से विशाल रूले धीरे धीरे ऊपर उठा। उस पर अनगिनत साधारण और बिना अलंकृत पैटर्नों के रह गए थे। इन प्रतिमानों ने एक विशाल प्रेत का निर्माण किया जो एक अतुलनीय चरित्र का अवतार था। चांदी सफेद रूले सुरुचिपूर्ण और महान दिखते थे। पैटर्न पूरे रूले पर आगे और पीछे बंद हो गए, एक सरल और अलंकृत पैटर्न बनाते हुए जिसे कोई नहीं समझ सकता था। 10,000 तकनीक रूले। सबकी सांसें अचानक भारी हो गईं। वे इतने लंबे समय से लड़ रहे थे, क्या यह 10,000 तकनीक रूले के लिए नहीं था? सभी की निगाहें 10,000 स्पेल रूले पर पड़ी और वे सब दौड़ पड़े। आक्रमण करना। इस समय एक और जोरदार चीख हुई। चांद मक्सू के बगल में काली आकृति गर्जना करती है और दिव्य कबीले के कई योद्धाओं ने देवताओं से लड़ने का आरोप लगाया। उनमें से कई केवल डेमिक और दायरे के शिखर पर थे, लेकिन वे देवताओं से लड़ने के लिए युद्ध संरचनाओं पर निर्भर थे। सेलेस्टियल रेस के कई देवताओं ने सीधे हमला किया और बड़ी संख्या में उन्हें मार डाला। इन लोगों के लिए दौड़कर मदद करना और मदद करना बिल्कुल असंभव था। वह काली छाया पहले ही शेंग वुफा और हेवन हंटर संप्रदाय के शिष्य के सामने आ गई थी। उन्हें रोकते हुए और चिल्लाते हुए, यंग मास्टर, इस जगह को मेरे लिए छोड़ दो। जब तक आप 10,000 तकनीक रूले को वश में नहीं कर लेते, तब तक प्रतीक्षा करें, फिर उन्हें दबाएं। आप 10,000 तकनीक रूले को वश में करना चाहते हैं? क्या आपने मेरी अनुमति मांगी है? आप 10,000 स्पेल रूले को वश में करना चाहते हैं? क्या तुमने मेरी अनुमति मांगी है? जोर से चिल्लाने के साथ एक और व्यक्ति तेजी से अंदर आया। ये जिवेन ही थी जिसने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपनी चाल चली। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छीनने की? शेंग वुफा गुस्से में था। हर कोई इसे छीनना चाहता था। यह बिल्कुल कानून विहीन था।
हम्फ, अगर आपका पवित्र आत्मा परिवार इसे छीन सकता है तो मेरी हिडन वैली क्यों नहीं? येजेबेल ने उपहास किया। उसे छिपाने का इरादा नहीं था। वैसे भी चूंकि यह प्रकट हुआ था, लोगों को पता चलने से पहले यह केवल समय की बात थी। आखिरकार 10,000 स्पेल रूल एक बहुत सी चीजों से संबंधित था। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे ब्लॉक करने वाले मर जाएंगे। येजेबेल ने एक कदम आगे बढ़ाया और आगे बढ़ गई। वह सिर्फ अपने शरीर के साथ अंतरिक्ष अवरोध को पार कर गया। दूर से वह मानव आकार के टायरानोसॉरस रेक्स जैसा दिखता था। उसका शरीर अजेय था। उसे रोको, चांग मक्सू दहाड़ा। उसने अपने हाथों को एक साथ रखा और 10,000 स्पेल रूले को खींचने के लिए अपनी सारी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। 10,000 स्पेल रूले को बाहर निकालने के लिए इतने सारे देवताओं के रक्त बलिदान का उपयोग करना आसान नहीं था। वह कैसे हार मान सकता था? मरना। इस समय एक आकाशीय दौड़ विशेषज्ञ अचानक गर्जना करता है और आगे बढ़ता है। आज जो कोई भी दिव्य दौड़ को रोकने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। यह आकाशीय जाति विशेषज्ञ अमर स्तर के शिखर पर था। उसने येजेबेल को तिरस्कार से भरी आंखों से देखा। एकमात्र अमर स्तर की देर की अवस्था उसके सामने अभिमानी होने का साहस करती थी। उसने एक कदम से आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया और सीधे येजेबेल की ओर मुक्का मारा। अमर स्तर के विशेषज्ञ का शिखर आसानी से एक अमर स्तर के दिवंगत मंच के आदमी को नीचे ले जा सकता है। बेवकूफ, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन रोक सकता है। येजेबेल ने एक मुक्का मारा और भयानक मुट्ठी ऊर्जा नश्वर दुनिया की असीम शक्ति में बदल गई और चुनौती का सामना किया। टकराना। तेज आवाज के साथ दुनिया हिंसक रूप से हिल गई। अनगिनत लोगों की भयानक आंखों के नीचे उन्होंने केवल अमर स्तर के दिव्य दौड़ विशेषज्ञ के इस शिखर को देखा जिसके पूरे हाथ फट गए। अनगिनत मात्रा में रक्त भारी दबाव का सामना नहीं कर सका और सीधे छींटे पड़ गए। वह लहूलुहान आदमी लग रहा था। तो जिवेन का अगला कदम सीधे हमला करना था। उसने अपने पंजों से पकड़ लिया। जजमेंट डिवाइन क्लॉ की जादुई शक्ति का विस्तार हुआ जैसे कि यह दुनिया में सभी अन्याय का न्याय कर रहा हो। कुछ ही सभी की चौकस निगाहों के तहत इस अत्याचारी विशेषज्ञ को येजेबेल ने मौत के घाट उतार दिया। उसका शरीर फट गया था और उसके शरीर पर मौजूद सभी जादुई हथियार और दौलत फट गई थी। जब येजेबेल ने उन सभी को पकड़ लिया और तियानेवान के आईने में फेंक दिया तो हर कोई स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। तियानेवान दर्पण भी परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच गया था। उसके शरीर के अंदर का तियानेवान दर्पण भी प्रकाश की रक्त लाल किरणों से खिल रहा था, एक सरल और अलंकृत भावना दे रहा था। अगर मुझे ठीक से याद है तो तियान कबीले के अवशेषों को मारने के लिए भी बहुत सारे पुरस्कार हैं। बस इतना हुआ कि वे सभी मेरे पुरस्कार बन जाएंगे। यदि येजेबेल खेती करना चाहते हैं तो उन्हें भारी मात्रा में दिव्य स्रोत की आवश्यकता होगी। स्वर्गीय दौड़ के संचालन को रोकने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। वह स्वर्गीय दौड़ के इन विशेषज्ञों को मारकर ही इसकी भरपाई कर सकता था। एक अमर क्षेत्र विशेषज्ञ को 10,000 से अधिक दिव्य जड़ों से पुरस्कृत किया जाएगा। एक शिखर अवस्था अमर क्षेत्र विशेषज्ञ को 1,00,000 दिव्य जड़ों से पुरस्कृत किया जाएगा। येजेबेल अपनी बात समाप्त करने के बाद भी नहीं रुका। वह सीधे स्वर्गीय दौड़ के विशेषज्ञों की ओर झपटा जो उसकी ओर झपट रहे थे। उसने वास्तव में उन विशेषज्ञों को डरा दिया। उनकी नजरों में वे सभी शिकारी थे और येजेबेल सिर्फ शिकार थी। हालांकि पलक झपकते ही शिकार और शिकारी के बीच स्थिति उलट चुकी थी। उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। ऐसा अचानक कैसे हो सकता है? येजेबेल पहले ही उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ी थी। बूम! येजेबेल की स्काई फ्लिपिंग सील ने आसमान को उल्टा कर दिया। उसने सीधे मौके पर एक शक्तिशाली शिखर चरण अमर क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डाला। यदि यह कहा जाता कि शिखर अवस्था के अमर क्षेत्र विशेषज्ञ येजेबेल के एक या दो कदमों का विरोध करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अब वह येजेबेल के लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके शरीर का सारा मांस और धन येजेबेल द्वारा ले लिया गया था और तियानेवान दर्पण में एकीकृत कर दिया गया था। रुकना। यह देखते हुए कि येजेबेल कितना भयानक था, चांग मक्सू इसे और कैसे सहन कर सकता था? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि येजेबेल, अज्ञात मूल का व्यक्ति, वास्तव में अपने आसपास के इतने सारे विशेषज्ञों को आसानी से मार सकता है। किसी को पता होना चाहिए कि उसका अनुसरण करने वाले शिखर चरण के अमर क्षेत्र के विशेषज्ञ सावधानी पूर्वक चुने गए थे। वे उनके वफादार माथक थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मरे हुए स्तर तक पहुंचने वाले थे। शायद कुछ हजार या 10,000 वर्षों में वे और आगे जा सकेंगे और मरे हुए स्तर तक पहुंच सकेंगे। तब तक वे उसके सबसे वफादार माथक भी होंगे। किसने सोचा होगा कि उसे यहाँ इतना भारी नुकसान होगा? हालांकि वह नहीं जा सका क्योंकि एक बार ऐसा करने के बाद 10,000 स्पेल रूले बच जाएगा। यहाँ तक अगर वे सभी स्वर्गीय जनजाति से थे तो वे 10,000 स्पेल रूले को अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। अन्यथा उन्हें इन देवताओं के लहू को रक्त बलि के रूप में उपयोग करने के लिए चालाकी भरी साजिशों और योजनाओं का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह एक जादू का उपकरण था जो एक शीर्ष सम्राट का था।
यदि उसे किसी विशेष विधि में महारत हासिल नहीं होती तो वह उसके करीब जाने के योग्य भी नहीं होता। येजीबेन को परवाह नहीं थी कि चांद मत्सू कितना अत्याचारी था, वह स्वर्गीय जनजाति सेना को नहीं मार सका। तब तक ये शीर्ष स्तर के स्वर्गीय जनजाति विशेषज्ञ पर्याप्त से अधिक होंगे। टकराना टकराना टकराना, हर चीख का मतलब था कि एक शक्तिशाली विशेषज्ञ येजीबेन के हाथों दुखद रूप से मर गया। अंत में कुल 10 अत्याचारी शिखर चरण के स्वर्गीय जनजाति विशेषज्ञ प्रतिक्रिया करने से पहले ही दुखद रूप से मर गए। ये चांद मत्सू के निजी रक्षक थे, वे शक्तिशाली थे और सर्वोच्च स्तर के स्वर्गीय जनजाति विशेषज्ञों के बीच अत्याचारी विशेषज्ञों से संबंधित थे। आम लोगों की उनसे तुलना ही नहीं की जा सकती थी। अब वे त्याने वान मिलर के लिए पोषण बन गए थे। टकराना अपने गुरु के शक्तिशाली शिखर चरण के स्वर्गीय जनजाति विशेषज्ञों के सभी धन और रक्तसार को अवशोषित करने के बाद त्याने वान मिलर ने अंततः गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा किया और एक औसत दर्जे के जादू उपकरण के स्तर तक पहुंच गया। येजीबेन के शरीर से एक रक्तरंजित रोशनी निकली, त्याने वान मिलर अचानक उड़ गया और येजीबेन के चारों ओर चक्कर लगाया, एक प्रकार का जबरदस्ती जो एक औसत दर्जे के जादू के उपकरण से संबंधित था। अमर चरण स्वर्गीय जनजाति के विशेषज्ञों ने करीब आने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा येजीबेन की क्रूर शक्ति ने उन्हें अभी पूरी तरह से भयभीत कर दिया था। धिक्कार है, हिडन वैली के पास इतना असामान्य शिष्य कब से है, यह बहुत भयानक है, एक भगवान ने अपने आसपास के स्वर्गीय जनजाति विशेषज्ञों को मारने के बाद बड़ी मुश्किल से कहा। ये स्वर्गीय जनजाति योद्धा अंतहीन थे, कई लोगों को मार्ग में भी रोक दिया गया था और वे बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सके। इसलिए जब ये देवता लड़े तो उन्हें यह भ्रम होगा कि स्वर्गीय जनजाति के योद्धा अंतहीन थे। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, एक और निर्दयी व्यक्ति, क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक अद्वितीय प्रतिभा है जिसे हिडन वैली ने गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया है? नहीं, मुझे संप्रदाय को इसकी सूचना देनी चाहिए, यह व्यक्ति इतना खतरनाक है, हमें उसे रिकॉर्ड करना चाहिए जब वह एक मरे हुए स्टेज विशेषज्ञ न हो, अन्यथा उसके खिलाफ जाने के बारे में सोचे भी नहीं। कई लोगों के मन में अचानक हजारों विचार उमड़ पड़े, उनके दिलों में येजीबेन का डर भी चरम पर पहुंच गया था। उन्होंने तुरंत उसे एक दुर्जय शत्रु के रूप में माना। येजीबेन दिल खोलकर हंस पड़ी। जैसा कि अपेक्षित था, इन स्वर्गीय जनजाति के बचे लोगों को मारना दिव्य जड़ों को अर्जित करने का सबसे तेज तरीका था। पलक झपकते ही एक और लाख दिव्य जड़ें उसके हाथों में आ गईं। शापित मानव, मैं निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुमने वास्तव में मेरे स्वर्गीय जनजाति के विशेषज्ञों को बेरहमी से मारने की हिम्मत की, अब से तुम्हारे वंश पर हमारा अभिशाप रहेगा, दिन और रात अंतहीन, जब तक तुम मर नहीं जाते। चांद मत्सू का दिल खून से रोने वाला था। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि वह विचलित नहीं हो सकता तो उसने येजीबेन को मौत के घाट उतार दिया होता, और उसका सबसे सक्षम अधीनस्थ वह काली छाया विचलित नहीं हो सका क्योंकि उसे दो लोगों को रोकना था। मुझे जाने मत दो, चलो इसके बारे में बात करते हैं अगर तुम जीवित रह सकते हो। एक मृत चरण स्वर्गीय जनजाति विशेषज्ञ 1,00,000 दिव्य जड़ों के लायक है, येजीबेन ने उपहास किया और इसे दिल पर नहीं लिया। तो क्या हुआ अगर स्वर्गीय जनजाति उसके बारे में सोच रही थी? अगर उसके पास क्षमता होती तो वह हिडन वैली में अपना रास्ता मार सकता था और कोशिश कर सकता था। आप वास्तव में मेरे बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत करते हैं? चांग मत्सू गुस्से में था, वह ऐसे अहंकारी व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिले थे, या यूं कहें वह हमेशा दूसरों के लिए अहंकारी रहा था। इतने अहंकारी ढंग से दूसरों द्वारा उसकी उपेक्षा कभी नहीं की गई थी। धतेरी की, चांग मत्सू गुस्से से दहाड़ा, उसके चारों ओर का स्थान तुरंत विकृत हो गया, वह वास्तव में दूर के शून्य में छिप गया। क्या छिपाने में कोई फायदा है? येजीबेन के चेहरे पर केवल एक उपहास का संकेत था। येजीबेन ने दोनों हथेलियों से प्रहार किया और बलपूर्वक शून्य को अलग कर दिया। हालांकि यह बेकार था, वह वास्तव में अभी भी चांद मत्सू पर हमला नहीं कर सका। हम भले ही आप 1,000 या 10,000 बार कोशिश करें, परिणाम बिल्कुल वैसा ही होगा, चांद मत्सू ने उपहास किया। यह मेरे स्वर्गीय जनजाति की सर्वोच्च गुप्त तकनीक है, यह कर्म से अछूती है और दूर से अछूती है, यह इस दुनिया में मौजूद भी नहीं है। आप संभवतः मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? धूल से बेदाग और कर्म से बेदाग, ऐसी गुप्त तकनीक कैसे हो सकती है? जब तक यह इस संसार में प्रकट होता है तब तक कर्म रहेगा और यह धूल से कलंकित रहेगा। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मुझे तुम्हारे पापों का न्याय करने दो, येजीबेन जोर से चिल्लाए। उसका एक हाथ सख्त हो गया और एक अजगर के पंजे में बदल गया, उसने सीधे हमला किया। चांद मत्सू, जो मूल रूप से धूल से बेदाग और कर्म से बेदाग होने के लिए जाना जाता था, वास्तव में उसके सभी बचाव येजीबेन के पंजे से टूट गए थे। वह सीधे वहां से गुजरा और चांद मत्सू को पकड़ लिया जो अंतरिक्ष की परतों में था। एक पल में चांद मत्सू, जो लगभग सफल हो गया था, को वापस मजबूर कर दिया गया। असंभव, तुम मुझे कैसे पकड़ सकते हो?
चांग मक्सू दहाड़ा महत्वपूर्ण क्षण में व अंतिम चरण में विफल रहा। इसने उसे इतना उदास कर दिया कि वह खून की उल्टी करना चाहता था। इसमें इतना अजीब क्या है? मेरा न्याय पवित्र पंजा दुनिया के सभी पापों का न्याय कर सकता है, जब तक तुम्हारे पाप हैं, मेरे आक्रमण से बचने के बारे में सोचो भी मत। कर्म से बेदाग, धूल से बेदाग, हास्यास्पद, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये ज़िवेन दिल खोलकर हंसी। चांग मक्सू भागने में सफल रहा था, हालांकि उसके लिए अपनी मार्शल आर्ट को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। 10,000 लॉ रूले का मास्टर वह था और केवल वही। धिक्कार है, जब से तुम मरना चाहते हो तो मुझे पहले तुम्हें मारने दो। चांग मक्सू दहाड़ा। स्वर्गीय जनजाति की जीत उनकी मुट्ठी में थी। विशेषज्ञों की एक सतत धारा प्रवाहित होने लगी। इन देवताओं के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके सर्वनाश से पहले यह केवल कुछ समय की बात थी। इस समय वह 10,000 लॉ रूले को इकट्ठा करने के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था। उसे इस छिपे हुए खतरे से छुटकारा पाना था। बहुत से लोगों ने कहा है कि वे मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। ये ज़िवेन ने उपहास किया। इस समय चांग मक्सू के हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। यह एक अजीब रोशनी के साथ चमक रहा था और एक शक्तिशाली बल क्षेत्र का गठन किया, जिसने आकाश से एक ज़िवेन को ढक लिया। यह हमला बेहद शक्तिशाली था। एक अमर स्तर के बिजलीघर की तुलना में एक अविनाशी स्तर का बिजलीघर सिर्फ थोड़ा सा भी मजबूत नहीं था, यह लगभग दर्जनों गुना ज्यादा मजबूत था। इसलिए एक अमर स्तर के बिजलीघर के लिए एक अविनाशी स्तर के बिजलीघर से लड़ना मुश्किल था। चांग मक्सू की अद्वितीय आभा को चल दी गई और ये ज़िवेन की सुरक्षात्मक आभा को तुरंत नष्ट कर दिया। चांग मक्सू पहले ही एक सेकंड में इतना शक्तिशाली हो गया था। वह बस अजेय था और सभी को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। यह ये ज़िवेन का अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। यहाँ तक कुमो पेट्रियार्क की भी उनसे तुलना नहीं की जा सकती थी। वे दोनों शुरुआती इम्पेरिशेबल लेवल पावर हाउस थे, लेकिन उनकी क्षमताओं में अंतर कम से कम कुछ बार था। यदि यह एक साधारण शुरुआत करने वाला इम्पेरिशेबल लेवल पावर हाउस होता तो वे शायद चांग मक्सू के विरोधी नहीं होते। हालांकि ये ज़िवेन अलग थी। उनकी क्षमता पहले ही उन्नत अमर स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। यहां तक उन्होंने एक सच्चे मध्यवर्ती अविनाशी स्तर के बिजलीघर से लड़ने का साहस भी किया। ये ज़िवेन का शरीर थोड़ा कांपने लगा और उसकी आभा वापस आ गई। हम्फ, ये ज़िवेन की आंखों में भयंकर रूप अचानक एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी में बदल गया और आगे की ओर फट गया। बूम, दोनों अनुपम बिजली घरों की मौके पर ही भीषण टक्कर हो गई और टक्कर से शक्तिशाली आभा बह गई। सभी की नजर मैदान में दो लोगों पर पड़ी। 10,000 स्पेल रूले को छीनने की सबसे अधिक संभावना वे दो थे, लेकिन वे सभी के लिए बहुत अपरिचित थे। ये ज़िवेन हाल ही में प्रमुखता से उभरी थी। उन्हें सत्ता में आए अभी ज्यादा साल नहीं हुए थे। कुछ लोगों की नजर में उनकी प्रतिष्ठा छोटी नहीं थी। हालांकि वह अधिकांश अनुभवी देवताओं की नजर में कोई नहीं था, जो पूरे साल बंद कमरे में प्रशिक्षण या खोज में रहे थे। चांग मक्सू की क्षमता कमजोर नहीं थी, लेकिन वह वास्तव में कभी भी इन देवताओं की नजर में नहीं आया था। स्काई कबीले के अवशेष केवल अवशेष थे। फीनिक्स किंग के पतन से पहले उसने प्रमुख ताकतों का ध्यान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया था। अकेले इतना ध्यान दें। कहा जा सकता है कि स्काई क्लान इन सभी वर्षों में काफी कम महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए चांग मक्सू स्काई कबीले के बीच बेहद प्रसिद्ध था, लेकिन अन्य कुलों की प्रमुख ताकतों के बीच उसकी ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं थी। बूम बूम बूम, हर कोई केवल जोरदार टक्करों की एक श्रृंखला सुन सकता था, जिनमें से कुछ एक साथ जुड़े हुए थे, जैसे कि वे एक ही समय में फट गए हों। उन दोनों के बीच आदान प्रदान बहुत तेज था। एक पल में वे दसियों हजार प्रहारों का आदान प्रदान कर सकते थे या इससे भी अधिक। इस समय वे दोनों एक तेज मोड में थे, बिल्कुल भी रास्ता नहीं दे रहे थे, लड़ाई में पहल करने की कोशिश कर रहे थे। चांग मूंजू की हजारों वर्षों की साधना नकली नहीं थी। हालांकि उन्हें देवताओं के बीच केवल युवा पीढ़ी के सदस्य के रूप में माना जा सकता था, फिर भी उन्हें ये ज़िवेन पर भारी लाभ था। हालांकि ये ज़िवेन ने केवल हजारों वर्षों तक खेती की थी, उसके कई आकस्मिक मुकाबले हुए और उसने अनगिनत संसाधनों को नष्ट कर दिया। उसे हीन नहीं होना था। उसकी उम्र उसकी शक्ति को माप नहीं सकती थी। मनुष्य, तुम बहुत अच्छे हो। सनातन पर्यावास क्षेत्र में तुम्हारे जैसी साधना का होना पहले से ही आसान नहीं है। हालांकि तुमने वास्तव में मरे हुए दायरे को पार नहीं किया है। आप यह नहीं समझते हैं कि आप एक सच्चे मरे हुए दायरे के बिजलीघर से तुलना नहीं कर सकते हैं, चांग मक्सू ने बेहोशी से कहा। शुरुआती झुंझलाहट का अनुभव करने के बाद वह पूरी तरह से शांत हो गया था। तलवार की रोशनी की चमक के बीच दुनिया विकसित हो रही थी और दुनिया नष्ट हो रहा है। यह एक अत्यंत भयानक तलवार दाओ मिस्टिक थी। इसमें जीवित प्राणी भी थे, जो लगभग अपने स्वयं के ईश्वर राष्ट्र में विकसित हो रहे थे। यह बहुत प्रभावशाली था। विशेष रूप से तलवारबाजी की यह तकनीक किसी भी तलवारबाज से अलग थी, जिसका सामना ये ज़िवेन ने किया था। ये पूरी तरह से अलग था, किसी भी प्रणाली से स्वतंत्र था जिसे ये ज़िवेन ने देखा था।
ये सिवेन सांस रोके बिना नहीं रह सकी। आकाशवंश वास्तव में शक्तिशाली था। किसी को पता होना चाहिए कि अधिकांश मौजूदा तलवार तकनीकों में केवल अलग अलग चालें और अवधारणाएं थी, लेकिन तलवार सिद्धांत का सार एक ही था, कोई अंतर नहीं था। इसलिए जब तक येजीवन तलवार के सिद्धांत में महारत हासिल कर लेता, तब तक वह सब कुछ समझ सकता था। उनकी दृष्टि में तलवारबाजी की किसी तकनीक का कोई रहस्य नहीं था। हालांकि चांग मक्सू की कई तलवार तकनीकें उनकी नजर में एक नया तलवार सिद्धांत थी। यह सभी मौजूदा तलवार सिद्धांतों से बिल्कुल अलग था। यही कारण है कि येजीवन इतनी हैरान और इतनी निष्क्रिय थी। ऐसा नहीं लगता था कि वह किसी नुकसान में है, लेकिन उसके लिए वह पहले से ही बहुत निष्क्रिय था। मानव, तुम इतने लंबे समय तक मेरी तलवार तकनीक का सामना करने में सक्षम होने वाले पहले अमर स्तर के हो। यह मत सोचो कि तुम मेरे कबीले को सिर्फ इसलिए देख सकते हो क्योंकि तुमने मेरे कबीले के कुछ विशेषज्ञों को मार डाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ व्यवहार करने की कबीले के विशेषज्ञ आपके शिकार के रूप में? मुझे लगता है कि आप वास्तव में जीने से थक गए हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे स्काई कबीले की असली मार्शल आर्ट क्या है, चांग मक्सू ने ठंडेपन से कहा। उसकी आंखें बेहद ठंडी थी, लेकिन वह पहले की तरह येजीवन को नीचे नहीं देख रहा था। यह ठीक था क्योंकि येजीवन की ताकत काफी मजबूत थी, इसलिए उसने येजीवन को सम्मान के एक नए स्तर के साथ देखा। अब उसने सही मायने में येजीवन को एक विरोधी के रूप में माना। इस समय येजीवन की नजर में चांग मक्सू का शरीर अचानक लंबा हो गया, जैसे कि वह दुनिया का एकमात्र शासक हो। यह स्काई कबीले की वास्तविक शक्तिशाली मार्शल आर्ट थी। मेरी तलवार की तकनीक से दुनिया की सभी तलवार तकनीकों का सम्मान किया जाना चाहिए। तलवार की तकनीक पर हावी हो जाओ, सभी तलवार तकनीकों पर हावी हो जाओ, स्वर्ग और लोकों पर हावी हो जाओ, चांग मक्सू ने धीरे से कहा। यहाँ तक मैंने डोमिनेटर तलवार तकनीक की केवल एक चाल सीखी है। दुनिया पर हावी हो जाओ, लेकिन यह काफी है। यह स्वर्ग और लोकों को दबा सकता है, एक इंसान की तो बात ही छोड़ो। बूम! इस समय येजीवन ने केवल महसूस किया कि उसके शरीर में तलवार चलाने का कौशल हल्का दबा हुआ था। उसके सामने चांग मक्सू तलवार का सम्राट बन गया था, तलवार का सम्राट जिसने दुनिया को सूचित किया था। असीम तलवार आभा आश्चर्यजनक गति से संघनित हो रही थी, चांग मक्सू के सिर के ऊपर संघनित हो रही थी। तलवार की हर अतिरिक्त आभा के साथ येजीवन के शरीर की सतह पर सुरक्षात्मक आभा बिखर गई थी। सभी की चौकस निगाहों के नीचे सुरक्षात्मक आभा बिखर गई। यह दृश्य अत्यंत भयानक था। कुश अंत में यह आश्चर्यजनक तलवार प्रकाश बह गया और येजीवन की ओर तेजी से दौड़ा। यह एक चौंकाने वाले झरने की तरह बह गया। शायद यह चौंकाने वाला झरना सैकड़ों हजारों मील तक बह गया होता अगर यह इस मकबरे के प्रतिबंध के लिए नहीं होता। यह सभी प्रतिरोधों को कुचल देता। यह खत्म हो गया है, मरो। चांग मक्सू के मुंह के कोने में कुछ भयावह मुस्कान दिखाई दी। उनकी डोमिनेटर तलवार सब कुछ नष्ट कर सकती थी। क्षण भर में संसार का सब कुछ उस अनंत प्रकाश में डूब गया। प्रभाव तरंगे जो बह गई वास्तव में देवताओं को भी उड़ा ले गई। प्रभाव से कई देवताओं की मृत्यु हो गई और कुछ जो बहुत दूर चले गए थे वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। विनाश के इस स्तर की चाल वास्तव में यहाँ उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन इस समय चांग मक्सू को पहले से ही एक कोने में धकेल दिया गया था। वह बस कम परवाह नहीं कर सका। अच्छा नहीं भाई, ये म्यू युंगसी की आध्यात्मिक शक्ति एक लहर की तरह थी जो लगातार इस हिंसक ऊर्जा लहर के प्रभाव में बिखर रही थी और लगातार संघनित हो रही थी। उसे भी विरोध करने के लिए बाहर जाना पड़ा। हालांकि उसकी आंखों में येजीवन पहले से ही डोमिनेटर तलवार की रोशनी से निगल चुकी थी। क्या वह वास्तव में यहाँ मरने वाला था? यह चांग मक्सू वास्तव में हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली था। यहाँ तक येजीवन, जिसे सफलता मिली थी, भी हारने वाला था। बहुत जल्दी खुश मत होना, तुम अब भी मुझे मारने से दूर हो, उन्होंने एक ठंडी आवाज सुनी और सबके सामने एक आकृति दिखाई दी। फिर उन्होंने एक अत्यंत भयानक दृश्य देखा। येजीवन ने अपना मुंह खोला और तलवार की रोशनी जो उसकी ओर गिर रही थी वास्तव में उसे निगल गई थी। बूम! एक बड़ा धमाका सुना गया और येजीवन का पेट सीधे हवा के झोंके से खुल गया। तलवार की रोशनी बुझ गई। हम, तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तलवार की रोशनी को निगलने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ताती हो? चांग मक्सू पहले तो चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि येजीवन इतनी आसानी से उसके हमले को पार कर पाएगा। जल्द ही उसने येजीवन के पेट के फूलने का दृश्य देखा और उसने तुरंत राहत महसूस की। हालांकि इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। येजीवन के शरीर से एक विशाल फीनिक्स रोना आया और उसका पेट, जो मूल रूप से विस्फोट से एक खूनी गड़बड़ था, नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से जल्दी से ठीक हो गया। तलवार की रोशनी जो मूल रूप से टूटने के लिए संघर्ष कर रही थी वह भी पूरी तरह से दब गई थी। इस दृश्य को जिसने भी देखा वह अवाक रह गया। वह तलवार कितनी भयानक थी!
हालांकि वे प्रभाव का खामियाजा भुगतने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, केवल बिखरे हुए परिणाम ही उन्हें घायल करने के लिए पर्याप्त थे। यदि यह एक ललाट हमला होता तो एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ भी गंभीर रूप से घायल हो जाता। अब यह वास्तव में येक्षिवेन द्वारा निगल लिया गया था। क्या हो रहा था? हालांकि येक्षिवेन ने भी विस्फोट किया था, लेकिन उनकी राय में यह पहले से ही एक चमत्कार था। आखिरकार येक्षिवेन मरा नहीं था, है ना? बट येक्षिवेन को वास्तव में डकार आई थी और उसके मुंह से केवल तलवार की आभा निकली। यह वास्तव में तलवार की रोशनी थी जो उसके मुंह से निकली थी। उनके चेहरे पर कुछ संतोष भरी मुस्कान थी। वह हमले का सामना कर सकता था, लेकिन अंत में उसने तलवार की रोशनी को निगलने के लिए इस तरह के रोमांचकारी तरीके का इस्तेमाल करना चुना। यह सब तलवारबाजी के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए था। येक्षिवेन ने जो पहले देखा था उससे आकाशीय तलवारें अलग थी। यह अपनी एक व्यवस्था थी, उसे इसमें दिलचस्पी थी और उसने तलवार की रोशनी को निगल लिया। हालांकि इसे एक बार उड़ा दिया गया था, फिर भी यह इतनी बड़ी कीमत चुकाने लायक था। उसमें निहित तलवारबाजी की जानकारी ने उसे महसूस कराया कि उसने काफी कुछ हासिल कर लिया है। बेशक केवल येक्षिवेन ही ऐसा करने की हिम्मत कर सकती है। सोने के बने अत्याचारी रूप के सहारे उसे सीधे मौत के घाट नहीं उतारा जाता। यदि यह कोई और होता तो एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ भी बहुत समय पहले मर गया होता। अगर उसने इसे निगल भी लिया होता तो वह मौके पर ही शासक की तलवार के कई रहस्यों का विश्लेषण नहीं कर पाता। उनकी हथेली पर एक तलवार प्रकाश लगातार संघनित हो रहा था। चांदमक्सू ने तुरंत उस परिचित आभा को पहचान लिया। यह शासक की तलवार थी। चांदमक्सू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। यह कैसे संभव हो सकता है? येक्षिवेन ने एक पल में प्रभुत्व की तलवार की ताकत पर महारत हासिल कर ली थी। दूसरे कुलों को शायद यह बात समझ में न आई हो, लेकिन वह इस बात को अच्छी तरह जानता था। वर्चस्व की तलवार जो उन्होंने सीखी थी वह एक अतुलनीय मार्शल आर्ट थी जिसे स्वर्ग कबीले के सबसे शक्तिशाली तलवारबाज प्रभुत्व की तलवार के सम्राट द्वारा बनाया गया था। अपनी अद्वितीय प्रतिभा के साथ उन्होंने भगवान के रूप में हजारों वर्षों के बाद केवल प्रभुत्व की तलवार की ऊर्जा विश्व वर्चस्व की पहली चाल सीखी थी। हालांकि येक्षिवेन इतने कम समय में इसकी नकल करने में कामयाब रही थी। हालांकि यह पूर्ण नहीं था और यह स्वॉर्ड ऑफ डोमिनेशन की तुलना में बहुत खुरदरा था जिससे वह परिचित था। बस इस स्तर की समझ दुनिया को चौंका देने के लिए पर्याप्त थी। असंभव, मैंने अनगिनत प्रतिभाशाली योद्धा देखे हैं, लेकिन किसी के लिए इतना मजबूत होना असंभव है। चांदमक्सू को विश्वास नहीं हो रहा था। यदि दूसरा पक्ष भी सम्राट स्तर का गुरु होता तो यह अधिक पसंद होता। हालांकि येक्षिवेन केवल अमर स्तर के गुरु थे। कैसे एक अमर स्तर के मास्टर तलवार की प्रभुत्व को इतनी जल्दी मास्टर कर सकते हैं? केवल चांदमक्सू ही नहीं बल्कि स्वर्ग कबीले के कई विशेषज्ञ भी हैरान रह गए जब उन्होंने वर्चस्व की तलवार की रोशनी देखी जो कि येक्षिवेन की हथेली पर लगातार घूम रही थी। यद्यपि उन्होंने इसकी खेती नहीं की थी, वे वर्चस्व की तलवार की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। क्या हो रहा था? कितनी मजबूत तलवार तकनीक है, येक्षिवेन ने कहा। उस पल में उसने 500,000 दिव्य स्रोतों को जला दिया था। उसने अपने शरीर में सभी दिव्य स्रोतों को समाप्त कर दिया था। फिर वह आखिरकार इस तलवार की नकल करने में कामयाब हो गया। हाँ, अमर स्तर के शिखर तक साधना के बाद बचे हुए 500,000 दिव्य स्रोत को जलाने के बाद भी वह केवल इस तलवार तकनीक का अनुकरण ही कर सका। इसके अलावा वह केवल रहस्यमय स्थान की मदद से इसका अनुकरण करने के प्रभाव को प्राप्त कर सकता था। यह वास्तव में उसकी समझ में नहीं आया। तलवारबाजी की इस तकनीक की गुणवत्ता उसकी कल्पना से कहीं परे थी। यह लगभग पुनर्जन्म मूर्ति के 6 पथों के शक्तिशाली अस्तित्व के बराबर था। यह कुछ ऐसा था जिसे येक्षिवेन पुनर्जन्म मूर्ति के 6 मार्गों का अभ्यास करने के बाद स्पष्ट रूप से समझ सकती थी। हालांकि यह पुनर्जन्म मूर्ति के 6 रास्तों से अलग था। उनके पास पुनर्जन्म मूर्ति के 6 मार्गों के लिए एक पूर्ण साधना पद्धति थी, इसलिए वे धीरे धीरे इसे समझ और विकसित कर सकते थे। हालांकि उनके पास वर्चस्व की तलवार के लिए कोई साधना पद्धति नहीं थी। भले ही येक्षिवेन ने इसे निगल लिया हो और बड़ी कीमत चुकाई हो, वह केवल उसकी नकल कर सकता था। वह साधना पद्धति का अनुमान नहीं लगा सका। यह स्पष्ट था कि वर्चस्व की तलवार की गुणवत्ता अकल्पनीय थी। क्या यह इंपीरियल लॉर्ड लेवल मार्शल तकनीक हो सकती है? येक्षिवेन के दिल में एक हल्का सा अनुमान था। उसने पूरी तरह से निश्चित होने का साहस नहीं किया। हालांकि वह 70-80% निश्चित था। आखिरकार आकाशीय दौड़ को सबसे अधिक सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के साथ दौड़ के रूप में जाना जाता था। यहाँ तक अगर अन्य सभी जातियों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी वे मुश्किल से ही तियान कबीले से तुलना कर पाएंगे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि चांदमक्सू इंपीरियल लॉर्ड स्तर की मार्शल आर्ट जानता था। हालांकि भले ही यह सॉवरेन मोनार्क स्तर की मार्शल तकनीक थी या नहीं, इसकी गुणवत्ता निश्चित रूप से अकल्पनीय रूप से उच्च थी।
एक बार जब वह वास्तव में इसे समझ गया तो यह उसकी तलवार दाव के लिए एक महान टॉनिक होगा और यह तुरंत एक अभूतपूर्व स्थिति में आ जाएगा। धिक्कार है, देखते हैं कि आप कितने समय तक टिक सकते हैं। चांग मक्सू पूरी तरह से आग बबूला हो गया था। गर्जना के साथ उसने अपनी चाल चली जिससे आकाश और पृथ्वी उल्टे हो गए। हवा और गर्जना गरजती है और जमीन हिल जाती है। यांग क्यूई प्राचीन काल से एक पहाड़ की तरह था। यांग क्यूई को कुचलते हुए उसने प्रभु की तलवार को खोल दिया जो पहले से भी अधिक शक्तिशाली थी। बूम, येजीवेन ने न तो चकमा दिया और न ही छुपी। यह ऐसा था जैसे वह समय रहते चकमा नहीं दे सका। वह सीधे मौके पर तलवार की रोशनी से टकराया था और उसका पूरा शरीर तुरंत तलवार की रोशनी में डूब गया था। पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं, यह अभी भी पर्याप्त से दूर है। बस जब हर कोई अभी भी कल्पना कर रहा था कि एक शिवेन रुक सकती है या नहीं, अचानक भीतर से येजीवेन की अहंकारी आवाज आई। सभी ने केवल येजीवेन के फिगर को अंतहीन ऊर्जा ज्वार से छलांग लगाते देखा। यह ऐसा था जैसे उसका शरीर बिजली से जुड़ा हुआ था और वह एक मृत अंत तक पहुंचने वाला था। यह आपके सार्वभौम भगवान की तलवार है, मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। एक तलवार की रोशनी आसमान में उठी और फिर एक पहाड़ की तरह नीचे गिर गई। यह कैसे संभव है? चांग मक्सू ने स्पष्ट रूप से पाया कि तलवार की रोशनी में येजीवेन की तुलना में थोड़ा सुधार हुआ था जिसे अभी संघनित किया गया था। हालांकि उनकी तुलना में अभी भी बहुत बड़ा गैप था। हालांकि उसकी भयानक ताकत की तुलना में इस तरह की समझने की क्षमता वह चीज थी जिसने लोगों को वास्तव में निराश कर दिया था। इसे समझने के लिए उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया? क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार दाव की उनकी समझ एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई हो? उनकी नजर में सभी तलवारबाजी की तकनीक एक जैसी थी। बूम, तलवार की रोशनी गिर गई। महत्वपूर्ण क्षण में चांग मक्सू का शरीर विकृत हो गया और हवा में गायब हो गया। येजीवेन की तलवार की रोशनी सीधे बीच में ताबूत पर गिरी। भयानक तलवार की रोशनी दुनिया में भी प्रवेश कर सकती थी लेकिन यह ताबूत को कुछ नहीं कर सकती थी। यह सीधे ताबूत पर फैल गया जैसे कि कोई शक्तिशाली और रहस्यमय शक्ति ताबूत की रक्षा कर रही हो। धिक्कार है, तुमने मुझे इस बिंदु पर मजबूर कर दिया। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। मरो, हॉल के एक कोने में चांग मक्सू की आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा अत्यंत कुरूप था। येजीवेन ने प्रभु की तलवार सीख ली थी। यह उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। उसने इसे सीखने के लिए बहुत मेहनत की थी लेकिन येजीवेन ने इसे एक पल में सीख लिया था। यह उन्हें बेवकूफ कहकर उनका मजाक उड़ाने जैसा था। उसने अपनी हथेली खोली और एक छोटा सरल और अलंकृत तलवार पात्र हवा में लगातार घूमता हुआ दिखाई दिया। यह प्राचीन चरित्र एक ऐसी भाषा में लिखा गया था जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। यह कुछ कुछ आकाशीय जाति की भाषा जैसी लगती थी लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता था। यह एक दाव चरित्र तावीज था। इसमें एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली तलवार दाव इच्छा शामिल थी। स्वॉर्डलाइट जो इसे उत्सर्जित करती थी, ऐसा प्रतीत होता था कि यह दुनिया को जलमग्न कर रही है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सब कुछ तलवार दाव की दुनिया में बदल रही है। आखिरकार येजीवेन द्वारा जबरदस्ती एक कोने में ले जाने के बाद चांग मक्सू छिप नहीं सकता था। उन्होंने अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया जो यह तलवार चरित्र आकर्षण था। चांग मक्सू ने उपहास किया। यह तलवार शब्द है जिसे संप्रभु और सम्राट संघनित करते हैं। नीति प्राचीन काल से इस तरह के कई तावीज नहीं हुए हैं। मैं केवल खोए हुए प्राचीन युद्ध क्षेत्रों में से एक में ठोकर खाने में कामयाब रहा। इस तलवार के ताबीज के लिए आपको मरकर संतोष करना चाहिए। तो आपने इस तलवार के ताबीज के माध्यम से सार्वभौम भगवान की तलवार सीखी। यह बहुत अच्छा है। मैं अभी भी सोच रहा था कि कैसे सार्वभौम प्रभु की तलवार सीखें। यह अद्वितीय तलवारबाजी तकनीक तुम जैसे कचरे के हाथों में बहुत बेकार है। जिस तरह चांग मक्सू खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, येजीवेन जो मूल रूप से दूर था अचानक चांग मक्सू के सामने आ गया। यह ऐसा था जैसे येजीवेन ने टेलीपोर्ट किया हो। चांग मक्सू हैरान रह गया। एक भगवान के सामने भले ही वह सच्चा टेलीपोर्टेशन हो, कुछ भी महसूस न करना असंभव था। एक भगवान को गाद से पकड़ना असंभव था। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? चांग मक्सू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि येजीवेन जो अभी अभी आया था उसकी पीठ पर एक अतुलनीय विशाल पंख था। यह चकाचौंध और धमकी देने वाला था। हालांकि येजीवेन की प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज थी लेकिन यह इतनी तेज कभी नहीं थी। दूसरे शब्दों में वह वास्तव में अपनी ताकत छुपा रहा था। चांग मक्सू इसे स्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी और यहां तक उन्होंने अपना तुरुप का पत्ता भी खोल दिया था। फिर भी उनका विरोधी वास्तव में अपनी ताकत छुपा रहा था। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? येजीवेन ने अपने सदमे की परवाह नहीं की। उसने सीधे तलवार तावीज को पकड़ लिया। चांग मक्सू पहले हैरान था लेकिन जब उसने येजीवेन की हरकत देखी तो उसके चेहरे पर एक उपहास झलक आया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अगर तुम मौत को दावत दे रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वह सबसे अच्छा जानता था।
इस तलवार तावीज को खोजने के बाद उसे मुश्किल से इसे वश में करने में दसियों हजार साल लग गए। फिर उसे स्वॉर्ड ऑफ डोमिनेशन को समझने में और दसियों हजार साल लग गए। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, वह तुम हो, मैं नहीं। हालांकि येक्षिवेन ने परवाह नहीं की, उसने तलवार तावीज को अपने हाथ में पकड़ लिया। तलवार तावीज संघर्ष करता रहा, खून की धुंध के बादल में बदलते हुए तुजिवेन की हथेली तलवार की रोशनी से चपटी हो गई थी। तलवार तावीज में एक चौंकाने वाली तलवार का इरादा था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। तुम मौत को दावत दे रहे हो, हाहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। चांग मक्सू जोर से हंसा, वह अतुलनीय रूप से लापरवाह था। यह पहली बार था जब उसने लड़ाई की शुरुआत के बाद से गर्व और प्रसन्नता महसूस की। हालांकि यह एकमात्र समय था, येक्षिवेन को उम्मीद नहीं थी कि तलवार का ताबीज इतना तेज और अत्याचारी होगा। अगर वह सावधान नहीं होता तो उसकी हथेली फट जाती। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके शरीर से एक रक्त प्रकाश निकला और तलवार ताबीज त्यानेवान मिर द्वारा अवशोषित कर लिया गया। त्यानेवान दर्पण में प्रवेश करते ही तलवार ताबीज भड़क गया, तलवार का इरादा टूट गया और तावीज लगभग एक मानव आकार में बदल गया। तलवार तावीज का मानव आकार प्राचीन काल के एक शक्तिशाली सम्राट की तरह था जो पुनर्जीवित हो गया था। हालांकि इस शक्तिशाली बल ने त्यानेवान मिर को नहीं तोड़ा, इसके विपरीत ऐसा लगता था कि यह किसी चीज को उत्तेजित करता है और उसे जगाता है। एक पल में त्यानेवान मिर के अंदर की दुनिया राक्षसी शैतानी ऊर्जा से भर गई। राक्षसी ऊर्जा में धीरे धीरे एक विशाल आकृति घनीभूत हो गई। हालांकि यह सिर्फ एक प्रेत था और इसका स्वरूप स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। दो बेमिसाल शख्सियतों ने एक दूसरे को रास्ता नहीं दिया, वे आपस में जमकर टकराए। दो पूरी तरह से अलग ग्रेट दाओस टकरा गए। हालांकि तलवार ताबीज को कुछ ही समय में राक्षसी छाया ने दबा दिया था, इसका घरेलू मैदान में फायदा था। भूत एक गॉड रूल चेन में तब्दील हो गया जिसने तलवार ताबीज को सील कर दिया। कोई भी तलवार क्यूई इससे मुक्त नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। येक्षिवेन का रंग तुरंत घातक रूप से पीला पड़ गया। किसी को पता होना चाहिए कि उसके शरीर में कोई दिव्य स्रोत नहीं था। शैतानी छाया जिसे स्वर्गीय स्रोत दर्पण द्वारा जादू किया गया था ने उसकी शक्ति निकाली थी। यहाँ तक उनके कुछ दिव्य स्रोत को भी निकाला गया था। उन्होंने फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक का संचालन किया और उनकी हथेली फिर से बढ़ गई। हालांकि उसका चेहरा अभी भी पीला था। घाव ठीक हो सकता था लेकिन घायल देव स्रोत थोड़े समय में ठीक नहीं हो सकता था। यह भगवान का सबसे आवश्यक हिस्सा था। हालांकि यह तलवार तावीज को वश में करने लायक था। हालांकि चांग मक्सू को पता नहीं था, उसने केवल यही सोचा था कि येक्षिवेन का ईश्वरीय स्रोत तलवार तावीज द्वारा घायल कर दिया गया था। वह बहुत खुश हुआ और तुरंत हमला करने के लिए येक्षिवेन की ओर दौड़ा।